हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले उसका नाम है राम सेतु। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। राम सेतु अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म में अक्षय कुमार, जैकलिन फर्नांडिस, नुसरत फरूचा और सत्यदेव है और एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं जो राम सेतु की प्रकृति की जांच कर रहे हैं, जिसे भगवान राम के मार्गदर्शन पर बना वानर सेना द्वारा बनाया गया था। फिल्म की घोषणा नवंबर 2020 में की गई थी, जिसकी मुख्य फोटोग्राफी 30 मार्च 2021 को मुंबई में शुरू हुई थी। कोविड-19 महामारी के बीच प्रोडक्शन को झटके और देरी का सामना करना पड़ा था। फिल्मांकन अक्टूबर 2021 में फिर से शुरू हुआ और जनवरी 2022 में ऊटी, गुजरात, दमन और दीव, मालदीव और मुंबई के पास हुआ था। वही राम सेतु को थिएटर्स के रूप में 25 अक्टूबर 2022 को दिवाली उत्सव के दौरान रिलीज किया गया था और आलोचकों से नकारात्मक समीक्षाओं के लिए खोला गया था। फिल्म ने दुनिया भर में के बॉक्स ऑफिस पर 93 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जो अपने 150 करोड़ रुपए के बजट को वापस पाने में विफल रही थी। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठी के रूप में अक्षय कुमार, ASI के रूप एक पुरातत्वविद है और डॉक्टर सेंड्रा रेबेलो के रूप में जैकलिन फर्नांडीज और प्रोफेसर गायत्री कुलश्रेष्ठ आर्यन की पत्नी के रूप में नुसरत फरूचा है। वही सत्यदेव अंजनेयन पुष्कुमारन AP के रूप में दिखाई देंगे। वही अंगर राज कबीर कुलश्रेष्ठ आर्यन और गायत्री के पुत्र के रूप में है। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो द फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्टर के अनुसार निर्देशक अभिषेक शर्मा 2007 के से एक प्लॉट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब उन्हें राम सेतु से जुड़े एक अदालती मामले की जानकारी हुई, यह फिल्म अक्षय कुमार की माँ अरुणा भाटिया और विक्रम मल्होत्रा द्वारा निर्माण कंपनियों कुमार की केप ऑफ गुड फिल्म्स, अबुंद एंटरटेनमेंट, लाइकम प्रोडक्शन और अमेजन प्राइम वीडियो के तहत स्वनिर्मित है। यह भारत में अमेजन का पहला बॉलीवुड प्रोडक्शन है। अरुणा भाटिया का सितंबर 2021 में निधन हो गया। चंद्रश प्रकाश द्विवेदी को रचनात्मक निर्माता के रूप में साइन किया गया था। कुमार ने फिल्म को अतीत, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के बीच एक पुल के रूप में वर्णित किया। अबुन दतिया एंटरटेनमेंट के CIO सह निर्माता CEO के निर्माता विक्रम मल्होत्रा ने फिल्म को तथ्यों, विज्ञान और ऐतिहासिक विरासत पर बनी कहानी के रूप में बताया। फिल्म टीम ने रेटिंग द एराम ऑफ लॉर्ड राम 2004 पुस्तक के साथ साथ पुरातत्व और अन्य क्षेत्रों की विशेषताओं से परामर्श किया था। वही बात करें मूवी की कास्टिंग के बारे में, तो मार्च 2021 की शुरुआत में मीडिया रिपोर्टर ने पुष्टि की कि अक्षय कुमार के साथ फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने के लिए जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत फरूचा को साइन किया गया था। जून 2021 में सत्यदेव कांचरानम ने खुलासा किया कि वह हिंदी सिनेमा में अपने शुरुआत करते हुए फिल्म का हिस्सा होंगी। वही बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2020 को दिवाली के मौके पर हुई थी। दिसंबर 2020 में पहले की रिपोर्टर ने सुझाव दिया कि फिल्म की शूटिंग अयोध्या और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग
राजधानी क्षेत्र किम? गौतम बुद्ध नगर। जिले में प्रस्तावित फिल्म सिटी में होगी। टीम द्वारा पूजा समारोह के बाद मुहूर्त शॉट। 18 मार्च 2021 को अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में आयोजित किया गया था। लोगों की एक बड़ी अनियंत्रित सभा के कारण मुख्य अभिनेताओं द्वारा अयोध्या में राम की पेंटिंग घटों की एक नियोजित यात्रा रद्द कर दी गई थी। वही बात करें मूवी के होम डे के बारे में, तो थिएटर्स के रिलीज के बाद फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले, उसका नाम है राम सेतु। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। राम सेतु अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म में अक्षय कुमार, जैकलिन फर्नांडिस, नुसरत फरूचा और सत्यदेव है और एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं जो राम सेतु की प्रकृति की जांच कर रहे हैं, जिसे भगवान राम के मार्गदर्शन पर बना वानर सेना द्वारा बनाया गया था। फिल्म की घोषणा नवंबर 2020 में की गई थी, जिसकी मुख्य फोटोग्राफी 30 मार्च 2021 को मुंबई में शुरू हुई थी। कोविड-19 महामारी के बीच प्रोडक्शन को झटके और देरी का सामना करना पड़ा था। फिल्मांकन अक्टूबर 2021 में फिर से शुरू हुआ और जनवरी 2022 में ऊटी, गुजरात, दमन और दीव, मालदीव और मुंबई के पास हुआ था। वही राम सेतु को थिएटर्स के रूप में 25 अक्टूबर 2022 को दिवाली उत्सव के दौरान रिलीज किया गया था और आलोचकों से नकारात्मक समीक्षाओं के लिए खोला गया था। फिल्म ने दुनिया भर में के बॉक्स ऑफिस पर 93 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जो अपने 150 करोड़ रुपए के बजट को वापस पाने में विफल रही थी। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठी के रूप में अक्षय कुमार, ASI के रूप एक पुरातत्वविद है और डॉक्टर सेंड्रा रेबेलो के रूप में जैकलिन फर्नांडिस और प्रोफेसर गायत्री कुलश्रेष्ठ आर्यन की पत्नी के रूप में नुसरत फरूचा है। वही सत्यदेव अंजनेयन पुष्कुमारन AP के रूप में दिखाई देंगे। वही अंगर राज कबीर कुलश्रेष्ठ आर्यन और गायत्री के पुत्र के रूप में है। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो द फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्टर के अनुसार निर्देशक अभिषेक शर्मा 2007 के से एक प्लॉट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब उन्हें राम सेतु से जुड़े एक अदालती मामले की जानकारी हुई, यह फिल्म अक्षय कुमार की माँ अरुणा भाटिया और विक्रम मल्होत्रा द्वारा निर्माण कंपनियों कुमार की केप ऑफ गुड फिल्म्स, अबुंद एंटरटेनमेंट, लाइकम प्रोडक्शन और अमेजन प्राइम वीडियो के तहत सहनिर्मित है। यह भारत में अमेजन का पहला बॉलीवुड प्रोडक्शन है। अरुणा भाटिया का सितंबर 2021 में निधन हो गया। चंद्रश प्रकाश द्विवेदी को रचनात्मक निर्माता के रूप में साइन किया गया था। कुमार ने फिल्म को अति वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के बीच एक पुल के रूप में वर्णित किया। अबुंदतिया एंटरटेनमेंट के CIO सह निर्माता CEO के निर्माता विक्रम मल्होत्रा ने फिल्म को तथ्यों, विज्ञान और ऐतिहासिक विरासत पर बनी कहानी के रूप में बताया। फिल्म टीम ने रेटिंग द एराम ऑफ लॉर्ड राम 2004 पुस्तक के साथ साथ पुरातत्व और अन्य क्षेत्रों के विशेषताओं से परामर्श किया था।
वही बात करें मूवी की कास्टिंग के बारे में तो मार्च 2021 की शुरुआत में मीडिया रिपोर्टर ने पुष्टि की कि अक्षय कुमार के साथ फिल्म में मुख्य अभिनेता भूमिका निभाने के लिए जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत फरूचा को साइन किया गया था। जून 2021 में सत्यदेव कांचरानम ने खुलासा किया कि वह हिंदी सिनेमा में अपने शुरुआत करते हुए फिल्म का हिस्सा होंगी। वही बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2020 को दिवाली के मौके पर हुई थी। दिसंबर 2020 में पहले की रिपोर्टर ने सुझाव दिया कि फिल्म की शूटिंग अयोध्या और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के गौतम बुद्ध नगर जिले में प्रस्तावित फिल्म सिटी में होगी। टीम द्वारा पूजा समारोह के बाद मुहूर्त शॉट 18 मार्च 2021 को अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में आयोजित किया गया था। लोगों की एक बड़ी अनियंत्रित सभा के कारण मुख्य अभिनेताओं द्वारा अयोध्या में राम की पेंटिंग घटों की एक नियोजित यात्रा रद्द कर दी गई थी। वही बात करें मूवी के होम डे के बारे में तो थिएटर्स के रिलीज के बाद फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले उसका नाम है राम सेतु। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। राम सेतु अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म में अक्षय कुमार, जैकलिन फर्नांडिस, नुसरत फरूचा और सत्यदेव है और एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं जो राम सेतु की प्रकृति की जांच कर रहे हैं, जिसे भगवान राम के मार्गदर्शन पर बना वानर सेना द्वारा बनाया गया था। फिल्म की घोषणा नवंबर 2020 में की गई थी, जिसकी मुख्य फोटोग्राफी 30 मार्च 2021 को मुंबई में शुरू हुई थी। कोविड-19 महामारी के बीच प्रोडक्शन को झटके और देरी का सामना करना पड़ा था। फिल्मांकन अक्टूबर 2021 में फिर से शुरू हुआ और जनवरी 2022 में ऊटी, गुजरात, दमन और दीव, मालदीव और मुंबई के पास हुआ था। वही राम सेतु को थिएटर्स के रूप में 25 अक्टूबर 2022 को दिवाली उत्सव के दौरान रिलीज किया गया था और आलोचकों से नकारात्मक समीक्षाओं के लिए खोला गया था। फिल्म ने दुनिया भर में के बॉक्स ऑफिस पर 93 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जो अपने 150 करोड़ रुपए के बजट को वापस पाने में विफल रही थी। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठी के रूप में अक्षय कुमार, ASI के रूप एक पुरातत्वविद है और डॉक्टर सेंड्रा रेबेलो के रूप में जैकलिन फर्नांडिस और प्रोफेसर गायत्री कुलश्रेष्ठ आर्यन की पत्नी के रूप में नुसरत फरूचा है। वही सत्यदेव अंजनेयन पुष्प कुमारन AP के रूप में दिखाई देंगे। वही अंगर राज कबीर कुलश्रेष्ठ आर्यन और गायत्री के पुत्र के रूप में है। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो द फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्टर के अनुसार निर्देशक अभिषेक शर्मा 2007 के से एक प्लॉट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जब उन्हें राम सेतु से जुड़े एक अदालती मामले की जानकारी हुई। यह फिल्म अक्षय कुमार की माँ अरुणा भाटिया और विक्रम मल्होत्रा द्वारा निर्माण कंपनियों कुमार की केप ऑफ गुड फिल्म्स, अबुंद एंटरटेनमेंट, लाइकाम प्रोडक्शन और अमेजन प्राइम वीडियो के तहत सहनिर्मित है। यह भारत में अमेजन का पहला बॉलीवुड प्रोडक्शन है। अरुणा भाटिया का सितंबर 2021 में निधन हो गया। चंद्रश प्रकाश द्वि
द्विवेदी को रचनात्मक निर्माता के रूप में साइन किया गया था। कुमार ने फिल्म को अतीत वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के बीच एक पुल के रूप में वर्णित किया। अब उन दतिया इंटरटेनमेंट के सीईओ सीईओ के निर्माता विक्रम मल्होत्रा ने फिल्म को तथ्यों विज्ञान और ऐतिहासिक विरासत पर बनी कहानी के रूप में बताया। फिल्म टीम ने डेटिंग द एराम ऑफ लॉर्ड राम 2004 पुस्तक के साथ साथ पुरातत्व और अन्य क्षेत्रों की विशेषताओं से परामर्श किया था। वही बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो मार्च 2021 की शुरुआत में मीडिया रिपोर्टर ने पुष्टि की कि अक्षय कुमार के साथ फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने के लिए जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत फरूचा को साइन किया गया था। जून 2021 में सत्यदेव कांचरानम ने खुलासा किया कि वह हिंदी सिनेमा में अपने शुरुआत करते हुए फिल्म का हिस्सा होंगी। वही बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2020 को दिवाली के मौके पर हुई थी। दिसंबर 2020 में पहले की रिपोर्टर ने सुझाव दिया कि फिल्म की शूटिंग अयोध्या और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के गौतम बुद्ध नगर जिले में प्रस्तावित फिल्म सिटी में होगी। टीम द्वारा पूजा समारोह के बाद मूर्त शॉट 18 मार्च 2021 को अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में आयोजित किया गया था। लोगों की एक बड़ी अनियंत्रित सभा के कारण मुख्य अभिनेताओं द्वारा अयोध्या में राम की पेंटिंग घटों की एक नियोजित यात्रा रद्द कर दी गई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो थिएटर्स के रिलीज के बाद फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले उसका नाम है राम सेतु। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। राम सेतु अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म में अक्षय कुमार, जैकलिन फर्नांडिस, नुसरत फरूचा और सत्यदेव है और एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं जो राम सेतु की प्रकृति की जांच कर रहे हैं, जिसे भगवान राम के मार्गदर्शन पर बना वानर सेना द्वारा बनाया गया था। फिल्म की घोषणा नवंबर 2020 में की गई थी, जिसकी मुख्य फोटोग्राफी 30 मार्च 2021 को मुंबई में शुरू हुई थी। कोविड-19 महामारी के बीच प्रोडक्शन को झटके और देरी का सामना करना पड़ा था। फिल्मांकन अक्टूबर 2021 में फिर से शुरू हुआ और जनवरी 2022 में ऊटी, गुजरात, दमन और दीव, मालदीव और मुंबई के पास हुआ था। वही राम सेतु को थिएटर्स के रूप में 25 अक्टूबर 2022 को दिवाली उत्सव के दौरान रिलीज किया गया था और आलोचकों से नकारात्मक समीक्षाओं के लिए खोला गया था। फिल्म ने दुनिया भर में के बॉक्स ऑफिस पर 93 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जो अपने 150 करोड़ रुपए के बजट को वापस पाने में विफल रही थी। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठी के रूप में अक्षय कुमार, ASI के रूप एक पुरातत्वविद है और डॉक्टर सेंड्रा रेबेलो के रूप में जैकलिन फर्नांडिस और प्रोफेसर गायत्री कुलश्रेष्ठ आर्यन की पत्नी के रूप में नुसरत फरूचा है। वही सत्यदेव अंजनेयन पुष्प कुमारन AP के रूप में दिखाई देंगे। वही अंगर राज कबीर कुलश्रेष्ठ आर्यन और गायत्री के पुत्र के रूप में है। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो द फाइनेंशियल एक्सप्रेस
कि एक रिपोर्टर के अनुसार निर्देशक अभिषेक शर्मा 2007 के से एक प्लॉट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जब उन्हें राम सेतु से जुड़े एक अदालती मामले की जानकारी हुई। यह फिल्म अक्षय कुमार की मां अरुणा भाटिया और विक्रम मल्होत्रा द्वारा निर्माण कंपनियों कुमार की केप ऑफ गुड फिल्म्स अबुंद एंटरटेनमेंट लाइकम प्रोडक्शन और अमेजन प्राइम वीडियो के तहत सनिर्मित है। यह भारत में अमेजन का पहला बॉलीवुड प्रोडक्शन है। अरुणा भाटिया का सितंबर 2021 में निधन हो गया। चंद्रश प्रकाश द्विवेदी को रचनात्मक निर्माता के रूप में साइन किया गया था। कुमार ने फिल्म को अति वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के बीच एक पुल के रूप में वर्णित किया। अबुंदतिया एंटरटेनमेंट के सीईओ सहनिर्माता सीईओ के निर्माता विक्रम मल्होत्रा ने फिल्म को तथ्यों विज्ञान और ऐतिहासिक विरासत पर बनी कहानी के रूप में बताया। फिल्म टीम ने रेटिंग द एरा ऑफ लॉर्ड राम 2004 पुस्तक के साथ साथ पुरातत्व और अन्य क्षेत्रों की विशेषताओं से परामर्श किया था। वही बात करें मूवी की कास्टिंग के बारे में, तो मार्च 2021 की शुरुआत में मीडिया रिपोर्टर ने पुष्टि की कि अक्षय कुमार के साथ फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने के लिए जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत फरूचा को साइन किया गया था। जून 2021 में सत्यदेव कांचरानम ने खुलासा किया कि वह हिंदी सिनेमा में अपने शुरुआत करते हुए फिल्म का हिस्सा होंगी। वही बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2020 को दिवाली के मौके पर हुई थी। दिसंबर 2020 में पहले की रिपोर्टर ने सुझाव दिया कि फिल्म की शूटिंग अयोध्या और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के गौतम बुद्ध नगर जिले में प्रस्तावित फिल्म सिटी में होगी। टीम द्वारा पूजा समारोह के बाद मूर्त शॉट 18 मार्च 2021 को अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में आयोजित किया गया था। लोगों की एक बड़ी अनियंत्रित सभा के कारण मुख्य अभिनेताओं द्वारा अयोध्या में राम की पेंटिंग घटों की एक नियोजित यात्रा रद्द कर दी गई थी। वही बात करें मूवी के होम डे के बारे में, तो थिएटर्स के रिलीज के बाद फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले, उसका नाम है राम सेतु। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें है वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते है। राम सेतु अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म में अक्षय कुमार, जैकलिन फर्नांडिस, नुसरत फरूचा और सत्यदेव है और एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं जो राम सेतु की प्रकृति की जांच कर रहे हैं, जिसे भगवान राम के मार्गदर्शन पर बना वानर सेना द्वारा बनाया गया था। फिल्म की घोषणा नवंबर 2020 में की गई थी, जिसकी मुख्य फोटोग्राफी 30 मार्च 2021 को मुंबई में शुरू हुई थी। कोविड-19 महामारी के बीच प्रोडक्शन को झटके और देरी का सामना करना पड़ा था। फिल्मांकन अक्टूबर 2021 में फिर से शुरू हुआ और जनवरी 2022 में ऊटी, गुजरात, दमन और दीव, मालदीव और मुंबई के पास हुआ था। वही राम सेतु को थिएटर्स के रूप में 25 अक्टूबर 2022 को दिवाली उत्सव के दौरान रिलीज किया गया था और आलोचकों से नकारात्मक समीक्षाओं के लिए खोला गया था। फिल्म ने दुनिया भर में के बॉक्स ऑफिस पर 93 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जो अपने
150 करोड़ रुपए के बजट को वापस पाने में विफल रही थी। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठी के रूप में अक्षय कुमार, ASI के रूप एक पुरातत्वविद है, और डॉक्टर सेंड्रा रेबेलो के रूप में जैकलिन फर्नांडीज, और प्रोफेसर गायत्री कुलश्रेष्ठ आर्यन की पत्नी के रूप में नुसरत फरूचा है। वही सत्यदेव अंजनेयन पुष्कुमारन AP के रूप में दिखाई देंगे। वही अंगर राज कबीर कुलश्रेष्ठ आर्यन और गायत्री के पुत्र के रूप में है। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो द फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्टर के अनुसार निर्देशक अभिषेक शर्मा 2007 के से एक प्लॉट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जब उन्हें राम सेतु से जुड़े एक अदालती मामले की जानकारी हुई। यह फिल्म अक्षय कुमार की माँ अरुणा भाटिया और विक्रम मल्होत्रा द्वारा निर्माण कंपनियों कुमार की केप ऑफ गुड फिल्म्स, अबुंद एंटरटेनमेंट, लाइकम प्रोडक्शन और अमेजन प्राइम वीडियो के तहत स्वनिर्मित है। यह भारत में अमेजन का पहला बॉलीवुड प्रोडक्शन है। अरुणा भाटिया का सितंबर 2021 में निधन हो गया। चंद्रश प्रकाश द्विवेदी को रचनात्मक निर्माता के रूप में साइन किया गया था। कुमार ने फिल्म को अतीत वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के बीच एक पुल के रूप में वर्णित किया। अबुन दतिया एंटरटेनमेंट के CIO सह निर्माता सीईओ के निर्माता विक्रम मल्होत्रा ने फिल्म को तथ्यों, विज्ञान और ऐतिहासिक विरासत पर बनी कहानी के रूप में बताया। फिल्म टीम ने रेटिंग द एराम ऑफ लॉर्ड राम 2004 पुस्तक के साथ साथ पुरातत्व और अन्य क्षेत्रों की विशेषताओं से परामर्श किया था। वही बात करें मूवी की कास्टिंग के बारे में तो मार्च 2021 की शुरुआत में मीडिया रिपोर्टर ने पुष्टि की कि अक्षय कुमार के साथ फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने के लिए जैकलिन फर्नांडीज और नुसरत फरूचा को साइन किया गया था। जून 2021 में सत्यदेव कांचरानम ने खुलासा किया कि वह हिंदी सिनेमा में अपने शुरुआत करते हुए फिल्म का हिस्सा होंगी। वही बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2020 को दिवाली के मौके पर हुई थी। दिसंबर 2020 में पहले की रिपोर्टर ने सुझाव दिया कि फिल्म की शूटिंग अयोध्या और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के गौतम बुद्ध नगर जिले में प्रस्तावित फिल्म सिटी में होगी। टीम द्वारा पूजा समारोह के बाद मुहूर्त शॉट 18 मार्च 2021 को अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में आयोजित किया गया था। लोगों की एक बड़ी अनियंत्रित सभा के कारण मुख्य अभिनेताओं द्वारा अयोध्या में राम की पेंटिंग घटों की एक नियोजित यात्रा रद्द कर दी गई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो थिएटर्स के रूप में रिलीज के बाद फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले उसका नाम है राम सेतु। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। राम सेतु अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म में अक्षय कुमार, जैकलिन फर्नांडिस, नुसरत फरूचा और सत्यदेव है, और एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं जो राम सेतु की प्रकृति की जांच कर रहे हैं।
जिसे भगवान राम के मार्गदर्शन पर बना वानर सेना द्वारा बनाया गया था। फिल्म की घोषणा नवंबर 2020 में की गई थी, जिसकी मुख्य फोटोग्राफी 30 मार्च 2021 को मुंबई में शुरू हुई थी। कोविड-19 महामारी के बीच प्रोडक्शन को झटके और देरी का सामना करना पड़ा था। फिल्मांकन अक्टूबर 2021 में फिर से शुरू हुआ और जनवरी 2022 में ऊटी, गुजरात, दमन और दीव, मालदीव और मुंबई के पास हुआ था। वहीं राम सेतु को थिएटर्स के रूप में 25 अक्टूबर 2022 को दिवाली उत्सव के दौरान रिलीज किया गया था और आलोचकों से नकारात्मक समीक्षाओं के लिए खोला गया था। फिल्म ने दुनिया भर में के बॉक्स ऑफिस पर 93 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जो अपने 150 करोड़ रुपए के बजट को वापस पाने में विफल रही थी। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठी के रूप में अक्षय कुमार, ASI के रूप एक पुरातत्वविद है और डॉक्टर सेंड्रा रेबेलो के रूप में जैकलिन फर्नांडीज और प्रोफेसर गायत्री कुलश्रेष्ठ आर्यन की पत्नी के रूप में नुसरत फरूचा है। वही सत्यदेव अंजनेयन पुष्प कुमारन AP के रूप में दिखाई देंगे। वही अंगर राज कबीर कुलश्रेष्ठ आर्यन और गायत्री के पुत्र के रूप में है। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो द फाइनेंशियल एक्सप्रेस कि एक रिपोर्टर के अनुसार निर्देशक अभिषेक शर्मा 2007 के से एक प्लॉट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जब उन्हें राम सेतु से जुड़े एक अदालती मामले की जानकारी हुई। यह फिल्म अक्षय कुमार की माँ अरुणा भाटिया और विक्रम मल्होत्रा द्वारा निर्माण कंपनियों कुमार की केप ऑफ गुड फिल्म्स अबुंद एंटरटेनमेंट लाइकाम प्रोडक्शन और अमेजन प्राइम वीडियो के तहत स्वनिर्मित है। यह भारत में अमेजन का पहला बॉलीवुड प्रोडक्शन है। अरुणा भाटिया का सितंबर 2021 में निधन हो गया। चंद्रश प्रकाश द्विवेदी को रचनात्मक निर्माता के रूप में साइन किया गया था। कुमार ने फिल्म को अतीत वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के बीच एक पुल के रूप में वर्णित किया। अबुन दतिया इंटरटेनमेंट के CIO सह निर्माता CEO के निर्माता विक्रम मल्होत्रा ने फिल्म को तथ्यों, विज्ञान और ऐतिहासिक विरासत पर बनी कहानी के रूप में बताया। फिल्म टीम ने रेटिंग द एराम ऑफ लॉर्ड राम 2004 पुस्तक के साथ साथ पुरातत्व और अन्य क्षेत्रों के विशेषताओं से परामर्श किया था। वही बात करें मूवी की कास्टिंग के बारे में तो मार्च 2021 की शुरुआत में मीडिया रिपोर्टर ने पुष्टि की कि अक्षय कुमार के साथ फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने के लिए जैकलिन फर्नांडीज और नुसरत फरूचा को साइन किया गया था। जून 2021 में सत्यदेव कांचरानम ने खुलासा किया कि वह हिंदी सिनेमा में अपने शुरुआत करते हुए फिल्म का हिस्सा होंगी। वही बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2020 को दिवाली के मौके पर हुई थी। दिसंबर 2020 में पहले की रिपोर्टर ने सुझाव दिया कि फिल्म की शूटिंग अयोध्या और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के गौतम बुद्ध नगर जिले में प्रस्तावित फिल्म सिटी में होगी। टीम द्वारा पूजा समारोह के बाद मुहूर्त शॉट 18 मार्च 2021 को अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में आयोजित किया गया था। लोगों की एक बड़ी अनियंत्रित सभा के कारण मुख्य अभिनेताओं द्वारा अयोध्या में राम की
पेंडी घटो की एक नियोजित यात्रा रद्द कर दी गई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो थिएटर्स के रिलीज के बाद फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है राम सेतु। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। राम सेतु अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म में अक्षय कुमार, जैकलिन फर्नांडिस, नुसरत फरूचा और सत्यदेव है और एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं जो राम सेतु की प्रकृति की जांच कर रहे हैं, जिसे भगवान राम के मार्गदर्शन पर बना वानर सेना द्वारा बनाया गया था। फिल्म की घोषणा नवंबर 2020 में की गई थी, जिसकी मुख्य फोटोग्राफी 30 मार्च 2021 को मुंबई में शुरू हुई थी। कोविड-19 महामारी के बीच प्रोडक्शन को झटके और देरी का सामना करना पड़ा था। फिल्मांकन अक्टूबर 2021 में फिर से शुरू हुआ और जनवरी 2022 में ऊटी, गुजरात, दमन और दीव, मालदीव और मुंबई के पास हुआ था। वहीं राम सेतु को थिएटर्स के रूप में 25 अक्टूबर 2022 को दिवाली उत्सव के दौरान रिलीज किया गया था और आलोचकों से नकारात्मक समीक्षाओं के लिए खोला गया था। फिल्म ने दुनिया भर में के बॉक्स ऑफिस पर 93 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जो अपने 150 करोड़ रुपए के बजट को वापस पाने में विफल रही थी। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठी के रूप में अक्षय कुमार, ASI के रूप एक पुरातत्वविद है और डॉक्टर सेंड्रा रेबेलो के रूप में जैकलिन फर्नांडिस और प्रोफेसर गायत्री कुलश्रेष्ठ आर्यन की पत्नी के रूप में नुसरत फरूचा है। वही सत्यदेव अंजनेयन पुष्प कुमारन AP के रूप में दिखाई देंगे। वही अंगर राज कबीर कुलश्रेष्ठ आर्यन और गायत्री के पुत्र के रूप में है। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो द फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्टर के अनुसार निर्देशक अभिषेक शर्मा 2007 के से एक प्लॉट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जब उन्हें राम सेतु से जुड़े एक अदालती मामले की जानकारी हुई। यह फिल्म अक्षय कुमार की माँ अरुणा भाटिया और विक्रम मल्होत्रा द्वारा निर्माण कंपनियों कुमार की केप ऑफ गुड फिल्म्स, अबुंद एंटरटेनमेंट, लाइकम प्रोडक्शन और अमेजन प्राइम वीडियो के तहत सनिर्मित है। यह भारत में अमेजन का पहला बॉलीवुड प्रोडक्शन है। अरुणा भाटिया का सितंबर 2021 में निधन हो गया। चंद्रश प्रकाश द्विवेदी को रचनात्मक निर्माता के रूप में साइन किया गया था। कुमार ने फिल्म को अति वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के बीच एक पुल के रूप में वर्णित किया। अबुंदतिया एंटरटेनमेंट के CIO सहनिर्माता CEO के निर्माता विक्रम मल्होत्रा ने फिल्म को तथ्यों, विज्ञान और ऐतिहासिक विरासत पर बनी कहानी के रूप में बताया। फिल्म टीम ने रेटिंग द एरा ऑफ लॉर्ड राम 2004 पुस्तक के साथ साथ पुरातत्व और अन्य क्षेत्रों के विशेषताओं से परामर्श किया था। वही बात करें मूवी की कास्टिंग के बारे में तो मार्च 2021 की शुरुआत में मीडिया रिपोर्टर ने पुष्टि की कि अक्षय कुमार के साथ फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने के लिए जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत फरूचा को साइन किया गया था। जून 2021 में सत्यदेव कांचरानम ने खुलासा किया कि वह हिंदी सिनेमा में अपने शुरुआत करते हुए फिल्म का हिस्सा होंगी। वही बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में तो
फिल्म की आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2020 को दिवाली के मौके पर हुई थी। दिसंबर 2020 में पहले की रिपोर्टर ने सुझाव दिया कि फिल्म की शूटिंग अयोध्या और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के गौतम बुद्ध नगर जिले में प्रस्तावित फिल्म सिटी में होगी। टीम द्वारा पूजा समारोह के बाद मूर्त शॉट 18 मार्च 2021 को अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में आयोजित किया गया था। लोगों की एक बड़ी अनियंत्रित सभा के कारण मुख्य अभिनेताओं द्वारा अयोध्या में राम की पेंटिंग घटों की एक नियोजित यात्रा रद्द कर दी गई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो थिएटर्स के रिलीज के बाद फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है राम सेतु। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। राम सेतु अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म में अक्षय कुमार, जैकलिन फर्नांडिस, नुसरत फरूचा और सत्यदेव है और एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं जो राम सेतु की प्रकृति की जांच कर रहे हैं, जिसे भगवान राम के मार्गदर्शन पर बना वानर सेना द्वारा बनाया गया था। फिल्म की घोषणा नवंबर 2020 में की गई थी, जिसकी मुख्य फोटोग्राफी 30 मार्च 2021 को मुंबई में शुरू हुई थी। कोविड-19 महामारी के बीच प्रोडक्शन को झटके और देरी का सामना करना पड़ा था। फिल्मांकन अक्टूबर 2021 में फिर से शुरू हुआ और जनवरी 2022 में ऊटी, गुजरात, दमन और दीव, मालदीव और मुंबई के पास हुआ था। वही राम सेतु को थिएटर्स के रूप में 25 अक्टूबर 2022 को दिवाली उत्सव के दौरान रिलीज किया गया था और आलोचकों से नकारात्मक समीक्षाओं के लिए खोला गया था। फिल्म ने दुनिया भर में के बॉक्स ऑफिस पर 93 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जो अपने 150 करोड़ रुपए के बजट को वापस पाने में विफल रही थी। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठी के रूप में अक्षय कुमार, ASI के रूप एक पुरातत्वविद है और डॉक्टर सेंड्रा रेबेलो के रूप में जैकलिन फर्नांडिस और प्रोफेसर गायत्री कुलश्रेष्ठ आर्यन की पत्नी के रूप में नुसरत फरूचा है। वही सत्यदेव अंजनेयन पुष्प कुमारन AP के रूप में दिखाई देंगे। वही अंगर राज कबीर कुलश्रेष्ठ आर्यन और गायत्री के पुत्र के रूप में है। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो द फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्टर के अनुसार निर्देशक अभिषेक शर्मा 2007 के से एक प्लॉट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जब उन्हें राम सेतु से जुड़े एक अदालती मामले की जानकारी हुई। यह फिल्म अक्षय कुमार की मां अरुणा भाटिया और विक्रम मल्होत्रा द्वारा निर्माण कंपनियों कुमार की केप ऑफ गुड फिल्म्स, अबुंदतीय एंटरटेनमेंट, लाइकम प्रोडक्शन और अमेजन प्राइम वीडियो के तहत सनिर्मित है। यह भारत में अमेजन का पहला बॉलीवुड प्रोडक्शन है। अरुणा भाटिया का सितंबर 2021 में निधन हो गया। चंद्रश प्रकाश द्विवेदी को रचनात्मक निर्माता के रूप में साइन किया गया था। कुमार ने फिल्म को अतीत, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के बीच एक पुल के रूप में वर्णित किया। अबुंदतीय एंटरटेनमेंट के CIO सह निर्माता विक्रम मल्होत्रा ने फिल्म को तथ्यों, विज्ञान और ऐतिहासिक विरासत पर बनी कहानी के रूप में बताया।
फिल्म टीम ने रेटिंग दम ये राम ऑफ लॉर्ड राम 2004 पुस्तक के साथ साथ पुरातत्व और अन्य क्षेत्रों की विशेषताओं से परामर्श किया था। वही बात करें मूवी की कास्टिंग के बारे में तो मार्च 2021 की शुरुआत में मीडिया रिपोर्टर ने पुष्टि की कि अक्षय कुमार के साथ फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने के लिए जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत फरूचा को साइन किया गया था। जून 2021 में सत्यदेव कांचरानम ने खुलासा किया कि वह हिंदी सिनेमा में अपने शुरुआत करते हुए फिल्म का हिस्सा होंगी। वही बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2020 को दिवाली के मौके पर हुई थी। दिसंबर 2020 में पहले की रिपोर्टर ने सुझाव दिया कि फिल्म की शूटिंग अयोध्या और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के गौतम बुद्ध नगर जिले में प्रस्तावित फिल्म सिटी में होगी। टीम द्वारा पूजा समारोह के बाद मूर्त शॉट 18 मार्च 2021 को अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में आयोजित किया गया था। लोगों की एक बड़ी अनियंत्रित सभा के कारण मुख्य अभिनेताओं द्वारा अयोध्या में राम की पेंटिंग घटों की एक नियोजित यात्रा रद्द कर दी गई थी। वही बात करें मूवी के होम डे के बारे में तो थिएटर्स के रिलीज के बाद फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले उसका नाम है राम सेतु। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। राम सेतु अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म में अक्षय कुमार, जैकलिन फर्नांडिस, नुसरत फरूचा और सत्यदेव है और एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं जो राम सेतु की प्रकृति की जांच कर रहे हैं, जिसे भगवान राम के मार्गदर्शन पर बना वानर सेना द्वारा बनाया गया था। फिल्म की घोषणा नवंबर 2020 में की गई थी, जिसकी मुख्य फोटोग्राफी 30 मार्च 2021 को मुंबई में शुरू हुई थी। कोविड-19 महामारी के बीच प्रोडक्शन को झटके और देरी का सामना करना पड़ा था। फिल्मांकन अक्टूबर 2021 में फिर से शुरू हुआ और जनवरी 2022 में ऊटी, गुजरात, दमन और दीव, मालदीव और मुंबई के पास हुआ था। वही राम सेतु को थिएटर्स के रूप में 25 अक्टूबर 2022 को दिवाली उत्सव के दौरान रिलीज किया गया था और आलोचकों से नकारात्मक समीक्षाओं के लिए खोला गया था। फिल्म ने दुनिया भर में के बॉक्स ऑफिस पर 93 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जो अपने 150 करोड़ रुपए के बजट को वापस पाने में विफल रही थी। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठी के रूप में अक्षय कुमार, ASI के रूप एक पुरातत्वविद है और डॉक्टर सेंड्रा रेबेलो के रूप में जैकलिन फर्नांडिस और प्रोफेसर गायत्री कुलश्रेष्ठ आर्यन की पत्नी के रूप में नुसरत फरूचा है। वही सत्यदेव अंजनेयन पुष्पकुमारन AP के रूप में दिखाई देंगे। वही अंगर राज कबीर कुलश्रेष्ठ आर्यन और गायत्री के पुत्र के रूप में है। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो द फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्टर के अनुसार निर्देशक अभिषेक शर्मा 2007 के से एक प्लॉट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जब उन्हें राम सेतु से जुड़े एक अदालती मामले की जानकारी हुई। यह फिल्म अक्षय कुमार की माँ अरुणा भाटिया और विक्रम मल्होत्रा द्वारा निर्माण कंपनियों कुमार की केप ऑफ गुड फिल्म्स, अबुंद एंटरटेनमेंट, लाइकाम प्रोडक्शन और अमेजॉन प्राइम वीडियो के तहत
स्वनिर्मित है। यह भारत में अमेजन का पहला बॉलीवुड प्रोडक्शन है। अरुणा भाटिया का सितंबर 2021 में निधन हो गया। चंद्रश प्रकाश द्विवेदी को रचनात्मक निर्माता के रूप में साइन किया गया था। कुमार ने फिल्म को अतीत वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के बीच एक पुल के रूप में वर्णित किया। अबुन दतिया इंटरटेनमेंट के सीईओ सीईओ के निर्माता विक्रम मल्होत्रा ने फिल्म को तथ्यों विज्ञान और ऐतिहासिक विरासत पर बनी कहानी के रूप में बताया। फिल्म टीम ने डेटिंग द एराम ऑफ लॉर्ड राम 2004 पुस्तक के साथ साथ पुरातत्व और अन्य क्षेत्रों की विशेषताओं से परामर्श किया था। वही बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो मार्च 2021 की शुरुआत में मीडिया रिपोर्टर ने पुष्टि की कि अक्षय कुमार के साथ फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने के लिए जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत फरूचा को साइन किया गया था। जून 2021 में सत्यदेव कांचरानम ने खुलासा किया कि वह हिंदी सिनेमा में अपने शुरुआत करते हुए फिल्म का हिस्सा होंगी। वही बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2020 को दिवाली के मौके पर हुई थी। दिसंबर 2020 में पहले की रिपोर्टर ने सुझाव दिया कि फिल्म की शूटिंग अयोध्या और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के गौतम बुद्ध नगर जिले में प्रस्तावित फिल्म सिटी में होगी। टीम द्वारा पूजा समारोह के बाद मूर्त शॉट 18 मार्च 2021 को अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में आयोजित किया गया था। लोगों की एक बड़ी अनियंत्रित सभा के कारण मुख्य अभिनेताओं द्वारा अयोध्या में राम की पेंटिंग घटों की एक नियोजित यात्रा रद्द कर दी गई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो थिएटर्स के रिलीज के बाद फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले उसका नाम है राम सेतु। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। राम सेतु अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म में अक्षय कुमार, जैकलिन फर्नांडिस, नुसरत फरूचा और सत्यदेव है और एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं जो राम सेतु की प्रकृति की जांच कर रहे हैं, जिसे भगवान राम के मार्गदर्शन पर बना वानर सेना द्वारा बनाया गया था। फिल्म की घोषणा नवंबर 2020 में की गई थी, जिसकी मुख्य फोटोग्राफी 30 मार्च 2021 को मुंबई में शुरू हुई थी। कोविड-19 महामारी के बीच प्रोडक्शन को झटके और देरी का सामना करना पड़ा था। फिल्मांकन अक्टूबर 2021 में फिर से शुरू हुआ और जनवरी 2022 में ऊटी, गुजरात, दमन और दीव, मालदीव और मुंबई के पास हुआ था। वहीं राम सेतु को थिएटर्स के रूप में 25 अक्टूबर 2022 को दिवाली उत्सव के दौरान रिलीज किया गया था और आलोचकों से नकारात्मक समीक्षाओं के लिए खोला गया था। फिल्म ने दुनिया भर में के बॉक्स ऑफिस पर 93 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जो अपने 150 करोड़ रुपए के बजट को वापस पाने में विफल रही थी। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठी के रूप में अक्षय कुमार, ASI के रूप एक पुरातत्वविद है और डॉक्टर सेंड्रा रेबेलो के रूप में जैकलिन फर्नांडिस और प्रोफेसर गायत्री कुलश्रेष्ठ आर्यन की पत्नी के रूप में नुसरत फरूचा है। वही सत्यदेव अंजनेयन पुष्प कुमारन AP के रूप में दिखाई देंगे।
वही अंगर राज कबीर कुलश्रेष्ठ आर्यन और गायत्री के पुत्र के रूप में है। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो द फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्टर के अनुसार निर्देशक अभिषेक शर्मा 2007 के से एक प्लॉट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जब उन्हें राम सेतु से जुड़े एक अदालती मामले की जानकारी हुई। यह फिल्म अक्षय कुमार की माँ अरुणा भाटिया और विक्रम मल्होत्रा द्वारा निर्माण कंपनियों कुमार की केप ऑफ गुड फिल्म्स अबुंद एंटरटेनमेंट लाइकाम प्रोडक्शन और अमेजन प्राइम वीडियो के तहत स्वनिर्मित है। यह भारत में अमेजन का पहला बॉलीवुड प्रोडक्शन है। अरुणा भाटिया का सितंबर 2021 में निधन हो गया। चंद्रश प्रकाश द्विवेदी को रचनात्मक निर्माता के रूप में साइन किया गया था। कुमार ने फिल्म को अतीत वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के बीच एक पुल के रूप में वर्णित किया। अबुन दतिया इंटरटेनमेंट के सीईओ सह निर्माता सीईओ के निर्माता विक्रम मल्होत्रा ने फिल्म को तथ्यों विज्ञान और ऐतिहासिक विरासत पर बनी कहानी के रूप में बताया। फिल्म टीम ने रेटिंग द एराम ऑफ लॉर्ड राम 2004 पुस्तक के साथ साथ पुरातत्व और अन्य क्षेत्रों की विशेषताओं से परामर्श किया था। वही बात करें मूवी की कास्टिंग के बारे में, तो मार्च 2021 की शुरुआत में मीडिया रिपोर्टर ने पुष्टि की कि अक्षय कुमार के साथ फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने के लिए जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत फरूचा को साइन किया गया था। जून 2021 में सत्यदेव कांचारानम ने खुलासा किया कि वह हिंदी सिनेमा में अपने शुरुआत करते हुए फिल्म का हिस्सा होंगी। वही बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2020 को दिवाली के मौके पर हुई थी। दिसंबर 2020 में पहले की रिपोर्टर ने सुझाव दिया कि फिल्म की शूटिंग अयोध्या और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के गौतम बुद्ध नगर जिले में प्रस्तावित फिल्म सिटी में होगी। टीम द्वारा पूजा समारोह के बाद मुहूर्त शॉट 18 मार्च 2021 को अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में आयोजित किया गया था। लोगों की एक बड़ी अनियंत्रित सभा के कारण मुख्य अभिनेताओं द्वारा अयोध्या में राम की पेंटिंग घटों की एक नियोजित यात्रा रद्द कर दी गई थी। वही बात करें मूवी के होम डे के बारे में, तो थिएटर्स के रिलीज के बाद फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले, उसका नाम है राम सेतु। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। राम सेतु अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म में अक्षय कुमार, जैकलिन फर्नांडिस, नुसरत फरूचा और सत्यदेव है और एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं जो राम सेतु की प्रकृति की जांच कर रहे हैं, जिसे भगवान राम के मार्गदर्शन पर बना वानर सेना द्वारा बनाया गया था। फिल्म की घोषणा नवंबर 2020 में की गई थी, जिसकी मुख्य फोटोग्राफी 30 मार्च 2021 को मुंबई में शुरू हुई थी। कोविड-19 महामारी के बीच प्रोडक्शन को झटके और देरी का सामना करना पड़ा था। फिल्मांकन अक्टूबर 2021 में फिर से शुरू हुआ और जनवरी 2022 में ऊटी, गुजरात, दमन और दीव, मालदीव और मुंबई के पास हुआ था। वही राम सेतु को थिएटर्स के रूप में 25 अक्टूबर 2022 को
दिवाली उत्सव के दौरान रिलीज किया गया था और आलोचकों से नकारात्मक समीक्षाओं के लिए खोला गया था। फिल्म ने दुनिया भर में के बॉक्स ऑफिस पर 93 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जो अपने 150 करोड़ रुपए के बजट को वापस पाने में विफल रही थी। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठी के रूप में अक्षय कुमार, ASI के रूप एक पुरातत्वविद है और डॉक्टर सेंड्रा रेबेलो के रूप में जैकलिन फर्नांडीज और प्रोफेसर गायत्री कुलश्रेष्ठ आर्यन की पत्नी के रूप में नुसरत फरूचा है। वही सत्यदेव अंजनेयन पुष्प कुमारन AP के रूप में दिखाई देंगे। वही अंगर राज कबीर कुलश्रेष्ठ आर्यन और गायत्री के पुत्र के रूप में है। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो द फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्टर के अनुसार निर्देशक अभिषेक शर्मा 2007 के से एक प्लॉट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जब उन्हें राम सेतु से जुड़े एक अदालती मामले की जानकारी हुई। यह फिल्म अक्षय कुमार की माँ अरुणा भाटिया और विक्रम मल्होत्रा द्वारा निर्माण कंपनियों कुमार की केप ऑफ गुड फिल्म्स, अबुंद थी एंटरटेनमेंट, लाइकम प्रोडक्शन और अमेजन प्राइम वीडियो के तहत सनिर्मित है। यह भारत में अमेजन का पहला बॉलीवुड प्रोडक्शन है। अरुणा भाटिया का सितंबर 2021 में निधन हो गया। चंद्रश प्रकाश द्विवेदी को रचनात्मक निर्माता के रूप में साइन किया गया था। कुमार ने फिल्म को अतीत वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के बीच एक पुल के रूप में वर्णित किया। अबुंदतिया एंटरटेनमेंट के सीईओ के निर्माता विक्रम मल्होत्रा ने फिल्म को तथ्यों, विज्ञान और ऐतिहासिक विरासत पर बनी कहानी के रूप में बताया। फिल्म टीम ने रेटिंग द एरा ऑफ लॉर्ड राम 2004 पुस्तक के साथ साथ पुरातत्व और अन्य क्षेत्रों के विशेषताओं से परामर्श किया था। वही बात करें मूवी की कास्टिंग के बारे में तो मार्च 2021 की शुरुआत में मीडिया रिपोर्टर ने पुष्टि की कि अक्षय कुमार के साथ फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने के लिए जैकलिन फर्नांडीज और नुसरत फरूचा को साइन किया गया था। जून 2021 में सत्यदेव कांचरानम ने खुलासा किया कि वह हिंदी सिनेमा में अपने शुरुआत करते हुए फिल्म का हिस्सा होंगी। वही बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2020 को दिवाली के मौके पर हुई थी। दिसंबर 2020 में पहले की रिपोर्टर ने सुझाव दिया कि फिल्म की शूटिंग अयोध्या और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के गौतम बुद्ध नगर जिले में प्रस्तावित फिल्म सिटी में होगी। टीम द्वारा पूजा समारोह के बाद मूर्त शॉट 18 मार्च 2021 को अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में आयोजित किया गया था। लोगों की एक बड़ी अनियंत्रित सभा के कारण मुख्य अभिनेताओं द्वारा अयोध्या में राम की पेंटिंग घटों की एक नियोजित यात्रा रद्द कर दी गई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो थिएटर्स के रूप रिलीज के बाद फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले उसका नाम है राम सेतु। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। राम सेतु अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है।
फिल्म में अक्षय कुमार, जैकलिन फर्नांडिस, नुसरत फरूचा और सत्यदेव है और एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं जो राम सेतु की प्रकृति की जांच कर रहे हैं, जिसे भगवान राम के मार्गदर्शन पर बना वानर सेना द्वारा बनाया गया था। फिल्म की घोषणा नवंबर 2020 में की गई थी, जिसकी मुख्य फोटोग्राफी 30 मार्च 2021 को मुंबई में शुरू हुई थी। कोविड-19 महामारी के बीच प्रोडक्शन को झटके और देरी का सामना करना पड़ा था। फिल्मांकन अक्टूबर 2021 में फिर से शुरू हुआ और जनवरी 2022 में ऊटी, गुजरात, दमन और दीव, मालदीव और मुंबई के पास हुआ था। वही राम सेतु को थिएटर्स के रूप में 25 अक्टूबर 2022 को दिवाली उत्सव के दौरान रिलीज किया गया था और आलोचकों से नकारात्मक समीक्षाओं के लिए खोला गया था। फिल्म ने दुनिया भर में के बॉक्स ऑफिस पर 93 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जो अपने 150 करोड़ रुपए के बजट को वापस पाने में विफल रही थी। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठी के रूप में अक्षय कुमार, ASI के रूप एक पुरातत्वविद है और डॉक्टर सेंड्रा रेबेलो के रूप में जैकलिन फर्नांडिस और प्रोफेसर गायत्री कुलश्रेष्ठ आर्यन की पत्नी के रूप में नुसरत फरूचा है। वही सत्यदेव अंजनेयन पुष्पकुमारन AP के रूप में दिखाई देंगे। वही अंगर राज कबीर कुलश्रेष्ठ आर्यन और गायत्री के पुत्र के रूप में है। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो द फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्टर के अनुसार निर्देशक अभिषेक शर्मा 2007 के से एक प्लॉट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जब उन्हें राम सेतु से जुड़े एक अदालती मामले की जानकारी हुई। यह फिल्म अक्षय कुमार की माँ अरुणा भाटिया और विक्रम मल्होत्रा द्वारा निर्माण कंपनियों कुमार की केप ऑफ गुड फिल्म्स, अबुंद थिए एंटरटेनमेंट, लाइकाम प्रोडक्शन और अमेजन प्राइम वीडियो के तहत सनिर्मित है। यह भारत में अमेजन का पहला बॉलीवुड प्रोडक्शन है। अरुणा भाटिया का सितंबर 2021 में निधन हो गया। चंद्रश प्रकाश द्विवेदी को रचनात्मक निर्माता के रूप में साइन किया गया था। कुमार ने फिल्म को अतीत, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के बीच एक पुल के रूप में वर्णित किया। अबुंदतिया एंटरटेनमेंट के CIO सह निर्माता विक्रम मल्होत्रा ने फिल्म को तथ्यों, विज्ञान और ऐतिहासिक विरासत पर बनी कहानी के रूप में बताया। फिल्म टीम ने रेटिंग द एराम ऑफ लॉर्ड राम 2004 पुस्तक के साथ साथ पुरातत्व और अन्य क्षेत्रों के विशेषताओं से परामर्श किया था। वही बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो मार्च 2021 की शुरुआत में मीडिया रिपोर्टर ने पुष्टि की कि अक्षय कुमार के साथ फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने के लिए जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत फरूचा को साइन किया गया था। जून 2021 में सत्यदेव कांचरानम ने खुलासा किया कि वह हिंदी सिनेमा में अपने शुरुआत करते हुए फिल्म का हिस्सा होंगी। वही बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2020 को दिवाली के मौके पर हुई थी। दिसंबर 2020 में पहले की रिपोर्टर ने सुझाव दिया कि फिल्म की शूटिंग अयोध्या और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के गौतम बुद्ध नगर जिले में प्रस्तावित फिल्म सिटी में होगी। टीम द्वारा पूजा समारोह के बाद मूर्त शॉट 18 मार्च 2021 को अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में आयोजित किया गया था।
लोगों की एक बड़ी अनियंत्रित सभा के कारण मुख्य अभिनेताओं द्वारा अयोध्या में राम की पेंटी घटों की एक नियोजित यात्रा रद्द कर दी गई थी। वही बात करें उनके होम मीडिय के बारे में तो थिएटर्स के रिलीज के बाद फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है राम सेतु। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। राम सेतु अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म में अक्षय कुमार, जैकलिन फर्नांडिस, नुसरत फरूचा और सत्यदेव है और एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं जो राम सेतु की प्रकृति की जांच कर रहे हैं, जिसे भगवान राम के मार्गदर्शन पर बना वानर सेना द्वारा बनाया गया था। फिल्म की घोषणा नवंबर 2020 में की गई थी, जिसकी मुख्य फोटोग्राफी 30 मार्च 2021 को मुंबई में शुरू हुई थी। कोविड-19 महामारी के बीच प्रोडक्शन को झटके और देरी का सामना करना पड़ा था। फिल्मांकन अक्टूबर 2021 में फिर से शुरू हुआ और जनवरी 2022 में ऊटी, गुजरात, दमन और दीव, मालदीव और मुंबई के पास हुआ था। वहीं राम सेतु को थिएटर्स के रूप में 25 अक्टूबर 2022 को दिवाली उत्सव के दौरान रिलीज किया गया था और आलोचकों से नकारात्मक समीक्षाओं के लिए खोला गया था। फिल्म ने दुनिया भर में के बॉक्स ऑफिस पर 93 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जो अपने 150 करोड़ रुपए के बजट को वापस पाने में विफल रही थी। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठी के रूप में अक्षय कुमार, ASI के रूप एक पुरातत्वविद है और डॉक्टर सेंड्रा रेबेलो के रूप में जैकलिन फर्नांडिस और प्रोफेसर गायत्री कुलश्रेष्ठ आर्यन की पत्नी के रूप में नुसरत फरूचा है। वही सत्यदेव अंजनेयन पुष्प कुमारन AP के रूप में दिखाई देंगे। वही अंगर राज कबीर कुलश्रेष्ठ आर्यन और गायत्री के पुत्र के रूप में है। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो द फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्टर के अनुसार निर्देशक अभिषेक शर्मा 2007 के से एक प्लॉट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जब उन्हें राम सेतु से जुड़े एक अदालती मामले की जानकारी हुई। यह फिल्म अक्षय कुमार की मां अरुणा भाटिया और विक्रम मल्होत्रा द्वारा निर्माण कंपनियों कुमार की केप ऑफ गुड फिल्म्स, अबुंद एंटरटेनमेंट, लाइकाम प्रोडक्शन और अमेजन प्राइम वीडियो के तहत सनिर्मित है। यह भारत में अमेजन का पहला बॉलीवुड प्रोडक्शन है। अरुणा भाटिया का सितंबर 2021 में निधन हो गया। चंद्रश प्रकाश द्विवेदी को रचनात्मक निर्माता के रूप में साइन किया गया था। कुमार ने फिल्म को अति वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के बीच एक पुल के रूप में वर्णित किया। अबुंदतिया एंटरटेनमेंट के CIO सहनिर्माता CEO के निर्माता विक्रम मल्होत्रा ने फिल्म को तथ्यों, विज्ञान और ऐतिहासिक विरासत पर बनी कहानी के रूप में बताया। फिल्म टीम ने रेटिंग द एरा ऑफ लॉर्ड राम 2004 पुस्तक के साथ साथ पुरातत्व और अन्य क्षेत्रों की विशेषताओं से परामर्श किया था। वही बात करें मूवी की कास्टिंग के बारे में तो मार्च 2021 की शुरुआत में मीडिया रिपोर्टर ने पुष्टि की कि अक्षय कुमार के साथ फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने के लिए जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत फरूचा को साइन किया गया था। जून 2021 में सत्यदेव कांचरानम ने
खुलासा किया कि वह हिंदी सिनेमा में अपने शुरुआत करते हुए फिल्म का हिस्सा होंगी। वही बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2020 को दिवाली के मौके पर हुई थी। दिसंबर 2020 में पहले की रिपोर्टर ने सुझाव दिया कि फिल्म की शूटिंग अयोध्या और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के गौतम बुद्ध नगर जिले में प्रस्तावित फिल्म सिटी में होगी। टीम द्वारा पूजा समारोह के बाद मुहूर्त शॉट 18 मार्च 2021 को अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में आयोजित किया गया था। लोगों की एक बड़ी अनियंत्रित सभा के कारण मुख्य अभिनेताओं द्वारा अयोध्या में राम की पेंटिंग घटों की एक नियोजित यात्रा रद्द कर दी गई थी। वही बात करें मूवी के होम डे के बारे में, तो थिएटर्स के रिलीज के बाद फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले, उसका नाम है राम सेतु। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। राम सेतु अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म में अक्षय कुमार, जैकलिन फर्नांडिस, नुसरत फरूचा और सत्यदेव है और एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं जो राम सेतु की प्रकृति की जांच कर रहे हैं, जिसे भगवान राम के मार्गदर्शन पर बना वानर सेना द्वारा बनाया गया था। फिल्म की घोषणा नवंबर 2020 में की गई थी, जिसकी मुख्य फोटोग्राफी 30 मार्च 2021 को मुंबई में शुरू हुई थी। कोविड-19 महामारी के बीच प्रोडक्शन को झटके और देरी का सामना करना पड़ा था। फिल्मांकन अक्टूबर 2021 में फिर से शुरू हुआ और जनवरी 2022 में ऊटी, गुजरात, दमन और दीव, मालदीव और मुंबई के पास हुआ था। वही राम सेतु को थिएटर्स के रूप में 25 अक्टूबर 2022 को दिवाली उत्सव के दौरान रिलीज किया गया था और आलोचकों से नकारात्मक समीक्षाओं के लिए खोला गया था। फिल्म ने दुनिया भर में के बॉक्स ऑफिस पर 93 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जो अपने 150 करोड़ रुपए के बजट को वापस पाने में विफल रही थी। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठी के रूप में अक्षय कुमार, ASI के रूप एक पुरातत्वविद है और डॉक्टर सेंड्रा रेबेलो के रूप में जैकलिन फर्नांडिस और प्रोफेसर गायत्री कुलश्रेष्ठ आर्यन की पत्नी के रूप में नुसरत फरूचा है। वही सत्यदेव अंजनेयन पुष्प कुमारन AP के रूप में दिखाई देंगे। वही अंगर राज कबीर कुलश्रेष्ठ आर्यन और गायत्री के पुत्र के रूप में है। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो द फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्टर के अनुसार निर्देशक अभिषेक शर्मा 2007 के से एक प्लॉट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जब उन्हें राम सेतु से जुड़े एक अदालती मामले की जानकारी हुई। यह फिल्म अक्षय कुमार की माँ अरुणा भाटिया और विक्रम मल्होत्रा द्वारा निर्माण कंपनियों कुमार की केप ऑफ गुड फिल्म्स, अबुंद एंटरटेनमेंट, लाइकम प्रोडक्शन और अमेजन प्राइम वीडियो के तहत सहनिर्मित है। यह भारत में अमेजन का पहला बॉलीवुड प्रोडक्शन है। अरुणा भाटिया का सितंबर 2021 में निधन हो गया। चंद्रश प्रकाश द्विवेदी को रचनात्मक निर्माता के रूप में साइन किया गया था। कुमार ने फिल्म को अतीत, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के बीच एक पुल के रूप में वर्णित किया। अबुंदतिया एंटरटेनमेंट के CIO सह निर्माता CEO के निर्माता
विक्रम मल्होत्रा ने फिल्म को तथ्यों, विज्ञान और ऐतिहासिक विरासत पर बनी कहानी के रूप में बताया। फिल्म टीम ने रेटिंग द एराम ऑफ लॉर्ड राम 2004 पुस्तक के साथ साथ पुरातत्व और अन्य क्षेत्रों की विशेषताओं से परामर्श किया था। वही बात करें मूवी की कास्टिंग के बारे में, तो मार्च 2021 की शुरुआत में मीडिया रिपोर्टर ने पुष्टि की कि अक्षय कुमार के साथ फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने के लिए जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत फरूचा को साइन किया गया था। जून 2021 में सत्यदेव कांचरानम ने खुलासा किया कि वह हिंदी सिनेमा में अपने शुरुआत करते हुए फिल्म का हिस्सा होंगी। वही बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2020 को दिवाली के मौके पर हुई थी। दिसंबर 2020 में पहले की रिपोर्टर ने सुझाव दिया कि फिल्म की शूटिंग अयोध्या और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के गौतम बुद्ध नगर जिले में प्रस्तावित फिल्म सिटी में होगी। टीम द्वारा पूजा समारोह के बाद मुहूर्त शॉट 18 मार्च 2021 को अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में आयोजित किया गया था। लोगों की एक बड़ी अनियंत्रित सभा के कारण मुख्य अभिनेताओं द्वारा अयोध्या में राम की पेंटिंग घटों की एक नियोजित यात्रा रद्द कर दी गई थी। वही बात करें मूवी के होम डे के बारे में, तो थिएटर्स के रिलीज के बाद फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले, उसका नाम है राम सेतु। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। राम सेतु अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म में अक्षय कुमार, जैकलिन फर्नांडिस, नुसरत फरूचा और सत्यदेव है और एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं जो राम सेतु की प्रकृति की जांच कर रहे हैं, जिसे भगवान राम के मार्गदर्शन पर बना वानर सेना द्वारा बनाया गया था। फिल्म की घोषणा नवंबर 2020 में की गई थी, जिसकी मुख्य फोटोग्राफी 30 मार्च 2021 को मुंबई में शुरू हुई थी। कोविड-19 महामारी के बीच प्रोडक्शन को झटके और देरी का सामना करना पड़ा था। फिल्मांकन अक्टूबर 2021 में फिर से शुरू हुआ और जनवरी 2022 में ऊटी, गुजरात, दमन और दीव, मालदीव और मुंबई के पास हुआ था। वही राम सेतु को थिएटर्स के रूप में 25 अक्टूबर 2022 को दिवाली उत्सव के दौरान रिलीज किया गया था और आलोचकों से नकारात्मक समीक्षाओं के लिए खोला गया था। फिल्म ने दुनिया भर में के बॉक्स ऑफिस पर 93 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जो अपने 150 करोड़ रुपए के बजट को वापस पाने में विफल रही थी। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठी के रूप में अक्षय कुमार, ASI के रूप एक पुरातत्वविद है और डॉक्टर सेंड्रा रेबेलो के रूप में जैकलिन फर्नांडिस और प्रोफेसर गायत्री कुलश्रेष्ठ आर्यन की पत्नी के रूप में नुसरत फरूचा है। वही सत्यदेव अंजनेयन पुष्प कुमारन AP के रूप में दिखाई देंगे। वही अंगर राज कबीर कुलश्रेष्ठ आर्यन और गायत्री के पुत्र के रूप में है। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो द फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्टर के अनुसार निर्देशक अभिषेक शर्मा 2007 के से एक प्लॉट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जब उन्हें राम सेतु से जुड़े एक अदालती मामले की जानकारी हुई। यह फिल्म अक्षय कुमार की माँ अरुणा भाटिया और विक्रम मल्होत्रा द्वारा निर्माण कंपनियों कुमार की
केप ऑफ गुड फिल्म्स अबुंद थी एंटरटेनमेंट लाइकम प्रोडक्शन और अमेजन प्राइम वीडियो के तहत स्वनिर्मित है। यह भारत में अमेजन का पहला बॉलीवुड प्रोडक्शन है। अरुणा भाटिया का सितंबर 2021 में निधन हो गया। चंद्रश प्रकाश द्विवेदी को रचनात्मक निर्माता के रूप में साइन किया गया था। कुमार ने फिल्म को अति वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के बीच एक पुल के रूप में वर्णित किया। अबुंदतिया एंटरटेनमेंट के सीईओ सीईओ के निर्माता विक्रम मल्होत्रा ने फिल्म को तथ्यों विज्ञान और ऐतिहासिक विरासत पर बनी कहानी के रूप में बताया। फिल्म टीम ने रेटिंग द एराम ऑफ लॉर्ड राम 2004 पुस्तक के साथ साथ पुरातत्व और अन्य क्षेत्रों के विशेषताओं से परामर्श किया था। वही बात करें मूवी की कास्टिंग के बारे में तो मार्च 2021 की शुरुआत में मीडिया रिपोर्टर ने पुष्टि की कि अक्षय कुमार के साथ फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने के लिए जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत फरूचा को साइन किया गया था। जून 2021 में सत्यदेव कांचरानम ने खुलासा किया कि वह हिंदी सिनेमा में अपने शुरुआत करते हुए फिल्म का हिस्सा होंगी। वही बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2020 को दिवाली के मौके पर हुई थी। दिसंबर 2020 में पहले की रिपोर्टर ने सुझाव दिया कि फिल्म की शूटिंग अयोध्या और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के गौतम बुद्ध नगर जिले में प्रस्तावित फिल्म सिटी में होगी। टीम द्वारा पूजा समारोह के बाद मूर्त शॉट 18 मार्च 2021 को अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में आयोजित किया गया था। लोगों की एक बड़ी अनियंत्रित सभा के कारण मुख्य अभिनेताओं द्वारा अयोध्या में राम की पेंटिंग घटों की एक नियोजित यात्रा रद्द कर दी गई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो थिएटर्स के रिलीज के बाद फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले उसका नाम है राम सेतु। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। राम सेतु अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म में अक्षय कुमार, जैकलिन फर्नांडिस, नुसरत फरूचा और सत्यदेव है और एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं जो राम सेतु की प्रकृति की जांच कर रहे हैं, जिसे भगवान राम के मार्गदर्शन पर बना वानर सेना द्वारा बनाया गया था। फिल्म की घोषणा नवंबर 2020 में की गई थी, जिसकी मुख्य फोटोग्राफी 30 मार्च 2021 को मुंबई में शुरू हुई थी। कोविड-19 महामारी के बीच प्रोडक्शन को झटके और देरी का सामना करना पड़ा था। फिल्मांकन अक्टूबर 2021 में फिर से शुरू हुआ और जनवरी 2022 में ऊटी, गुजरात, दमन और दीव, मालदीव और मुंबई के पास हुआ था। वहीं राम सेतु को थिएटर्स के रूप में 25 अक्टूबर 2022 को दिवाली उत्सव के दौरान रिलीज किया गया था और आलोचकों से नकारात्मक समीक्षाओं के लिए खोला गया था। फिल्म ने दुनिया भर में के बॉक्स ऑफिस पर 93 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जो अपने 150 करोड़ रुपए के बजट को वापस पाने में विफल रही थी। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठी के रूप में अक्षय कुमार, ASI के रूप एक पुरातत्वविद है और डॉक्टर सेंड्रा रेबेलो के रूप में जैकलिन फर्नांडिस और
प्रोफेसर गायत्री कुलश्रेष्ठम आर्यन की पत्नी के रूप में नुसरत फरूचा है। वही सत्यदेव अंजनेयन पुष्कुमारन एपी के रूप में दिखाई देंगे। वही अंगर राज कबीर कुलश्रेष्ठ आर्यन और गायत्री के पुत्र के रूप में है। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो द फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्टर के अनुसार निर्देशक अभिषेक शर्मा 2007 के से एक प्लॉट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जब उन्हें राम सेतु से जुड़े एक अदालती मामले की जानकारी हुई। यह फिल्म अक्षय कुमार की मां अरुणा भाटिया और विक्रम मल्होत्रा द्वारा निर्माण कंपनियों कुमार की केप ऑफ गुड फिल्म्स अबुंद एंटरटेनमेंट लाइकम प्रोडक्शन और अमेजन प्राइम वीडियो के तहत सनिर्मित है। यह भारत में अमेजन का पहला बॉलीवुड प्रोडक्शन है। अरुणा भाटिया का सितंबर 2021 में निधन हो गया। चंद्रश प्रकाश द्विवेदी को रचनात्मक निर्माता के रूप में साइन किया गया था। कुमार ने फिल्म को अति वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के बीच एक पुल के रूप में वर्णित किया। अबुंदतिया एंटरटेनमेंट के सीईओ सहनिर्माता सीईओ के निर्माता विक्रम मल्होत्रा ने फिल्म को तथ्यों विज्ञान और ऐतिहासिक विरासत पर बनी कहानी के रूप में बताया। फिल्म टीम ने रेटिंग द एरा ऑफ लॉर्ड राम 2004 पुस्तक के साथ साथ पुरातत्व और अन्य क्षेत्रों की विशेषताओं से परामर्श किया था। वही बात करें मूवी की कास्टिंग के बारे में तो मार्च 2021 की शुरुआत में मीडिया रिपोर्टर ने पुष्टि की कि अक्षय कुमार के साथ फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने के लिए जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत फरूचा को साइन किया गया था। जून 2021 में सत्यदेव कांचरानम ने खुलासा किया कि वह हिंदी सिनेमा में अपने शुरुआत करते हुए फिल्म का हिस्सा होंगी। वही बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2020 को दिवाली के मौके पर हुई थी। दिसंबर 2020 में पहले की रिपोर्टर ने सुझाव दिया कि फिल्म की शूटिंग अयोध्या और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के गौतम बुद्ध नगर जिले में प्रस्तावित फिल्म सिटी में होगी। टीम द्वारा पूजा समारोह के बाद मूर्त शॉट 18 मार्च 2021 को अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में आयोजित किया गया था। लोगों की एक बड़ी अनियंत्रित सभा के कारण मुख्य अभिनेताओं द्वारा अयोध्या में राम की पेंटिंग घटों की एक नियोजित यात्रा रद्द कर दी गई थी। वही बात करें मूवी के होम डे के बारे में तो थिएटर्स के रिलीज के बाद फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले उसका नाम है राम सेतु। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। राम सेतु अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म में अक्षय कुमार, जैकलिन फर्नांडिस, नुसरत फरूचा और सत्यदेव है और एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं जो राम सेतु की प्रकृति की जांच कर रहे हैं, जिसे भगवान राम के मार्गदर्शन पर बना वानर सेना द्वारा बनाया गया था। फिल्म की घोषणा नवंबर 2020 में की गई थी, जिसकी मुख्य फोटोग्राफी 30 मार्च 2021 को मुंबई में शुरू हुई थी। कोविड-19 महामारी के बीच प्रोडक्शन को झटके और देरी का सामना करना पड़ा था।
फिल्मांकन अक्टूबर 2021 में फिर से शुरू हुआ और जनवरी 2022 में ऊटी गुजरात, दमन और दीव, मालदीव और मुंबई के पास हुआ था। वहीं राम सेतु को थिएटर्स के रूप में 25 अक्टूबर 2022 को दिवाली उत्सव के दौरान रिलीज किया गया था और आलोचकों से नकारात्मक समीक्षाओं के लिए खोला गया था। फिल्म ने दुनिया भर में के बॉक्स ऑफिस पर 93 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जो अपने 150 करोड़ रुपए के बजट को वापस पाने में विफल रही थी। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठी के रूप में अक्षय कुमार, ASI के रूप एक पुरातत्वविद है और डॉक्टर सेंड्रा रेबेलो के रूप में जैकलिन फर्नांडीज और प्रोफेसर गायत्री कुलश्रेष्ठ आर्यन की पत्नी के रूप में नुसरत फरूचा है। वही सत्यदेव अंजनेयन पुष्कुमारन AP के रूप में दिखाई देंगे। वही अंगर राज कबीर कुलश्रेष्ठ आर्यन और गायत्री के पुत्र के रूप में है। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो द फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्टर के अनुसार निर्देशक अभिषेक शर्मा 2007 के से एक प्लॉट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जब उन्हें राम सेतु से जुड़े एक अदालती मामले की जानकारी हुई। यह फिल्म अक्षय कुमार की माँ अरुणा भाटिया और विक्रम मल्होत्रा द्वारा निर्माण कंपनियों कुमार की केप ऑफ गुड फिल्म्स, अबुंद तिये एंटरटेनमेंट, लाइकाम प्रोडक्शन और अमेजन प्राइम वीडियो के तहत सनिर्मित है। यह भारत में अमेजन का पहला बॉलीवुड प्रोडक्शन है। अरुणा भाटिया का सितंबर 2021 में निधन हो गया। चंद्रश प्रकाश द्विवेदी को रचनात्मक निर्माता के रूप में साइन किया गया था। कुमार ने फिल्म को अतीत वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के बीच एक पुल के रूप में वर्णित किया। अबुन दतिया एंटरटेनमेंट के CIO सह निर्माता CEO के निर्माता विक्रम मल्होत्रा ने फिल्म को तथ्यों, विज्ञान और ऐतिहासिक विरासत पर बनी कहानी के रूप में बताया। फिल्म टीम ने रेटिंग द एराम ऑफ लॉर्ड राम 2004 पुस्तक के साथ साथ पुरातत्व और अन्य क्षेत्रों के विशेषताओं से परामर्श किया था। वही बात करें मूवी की कास्टिंग के बारे में तो मार्च 2021 की शुरुआत में मीडिया रिपोर्टर ने पुष्टि की कि अक्षय कुमार के साथ फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने के लिए जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत फरूचा को साइन किया गया था। जून 2021 में सत्यदेव कांचरानम ने खुलासा किया कि वह हिंदी सिनेमा में अपने शुरुआत करते हुए फिल्म का हिस्सा होंगी। वही बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2020 को दिवाली के मौके पर हुई थी। दिसंबर 2020 में पहले की रिपोर्टर ने सुझाव दिया कि फिल्म की शूटिंग अयोध्या और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के गौतम बुद्ध नगर जिले में प्रस्तावित फिल्म सिटी में होगी। टीम द्वारा पूजा समारोह के बाद मुहूर्त शॉट 18 मार्च 2021 को अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में आयोजित किया गया था। लोगों की एक बड़ी अनियंत्रित सभा के कारण मुख्य अभिनेताओं द्वारा अयोध्या में राम की पेंटिंग घटों की एक नियोजित यात्रा रद्द कर दी गई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो थिएटर्स के रूप में रिलीज के बाद फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।
थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है राम सेतु। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। राम सेतु अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म में अक्षय कुमार, जैकलिन फर्नांडिस, नुसरत फरूचा और सत्यदेव है और एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं जो राम सेतु की प्रकृति की जांच कर रहे हैं, जिसे भगवान राम के मार्गदर्शन पर बना वानर सेना द्वारा बनाया गया था। फिल्म की घोषणा नवंबर 2020 में की गई थी, जिसकी मुख्य फोटोग्राफी 30 मार्च 2021 को मुंबई में शुरू हुई थी। कोविड-19 महामारी के बीच प्रोडक्शन को झटके और देरी का सामना करना पड़ा था। फिल्मांकन अक्टूबर 2021 में फिर से शुरू हुआ और जनवरी 2022 में ऊटी, गुजरात, दमन और दीव, मालदीव और मुंबई के पास हुआ था। वही राम सेतु को थिएटर्स के रूप में 25 अक्टूबर 2022 को दिवाली उत्सव के दौरान रिलीज किया गया था और आलोचकों से नकारात्मक समीक्षाओं के लिए खोला गया था। फिल्म ने दुनिया भर में के बॉक्स ऑफिस पर 93 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जो अपने 150 करोड़ रुपए के बजट को वापस पाने में विफल रही थी। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठी के रूप में अक्षय कुमार, ASI के रूप एक पुरातत्वविद है और डॉक्टर सेंड्रा रेबेलो के रूप में जैकलिन फर्नांडिस और प्रोफेसर गायत्री कुलश्रेष्ठ आर्यन की पत्नी के रूप में नुसरत फरूचा है। वही सत्यदेव अंजनेयन पुष्प कुमारन AP के रूप में दिखाई देंगे। वही अंगर राज कबीर कुलश्रेष्ठ आर्यन और गायत्री के पुत्र के रूप में है। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो द फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्टर के अनुसार निर्देशक अभिषेक शर्मा 2007 के से एक प्लॉट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जब उन्हें राम सेतु से जुड़े एक अदालती मामले की जानकारी हुई। यह फिल्म अक्षय कुमार की मां अरुणा भाटिया और विक्रम मल्होत्रा द्वारा निर्माण कंपनियों कुमार की केप ऑफ गुड फिल्म्स, अबुंद एंटरटेनमेंट, लाइकम प्रोडक्शन और अमेजन प्राइम वीडियो के तहत सनिर्मित है। यह भारत में अमेजन का पहला बॉलीवुड प्रोडक्शन है। अरुणा भाटिया का सितंबर 2021 में निधन हो गया। चंद्रश प्रकाश द्विवेदी को रचनात्मक निर्माता के रूप में साइन किया गया था। कुमार ने फिल्म को अतीत, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के बीच एक पुल के रूप में वर्णित किया। अबुंदतिया एंटरटेनमेंट के CIO सहनिर्माता CEO के निर्माता विक्रम मल्होत्रा ने फिल्म को तथ्यों, विज्ञान और ऐतिहासिक विरासत पर बनी कहानी के रूप में बताया। फिल्म टीम ने रेटिंग द एराम ऑफ लॉर्ड राम 2004 पुस्तक के साथ साथ पुरातत्व और अन्य क्षेत्रों की विशेषताओं से परामर्श किया था। वही बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो मार्च 2021 की शुरुआत में मीडिया रिपोर्टर ने पुष्टि की कि अक्षय कुमार के साथ फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने के लिए जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत फरूचा को साइन किया गया था। जून 2021 में सत्यदेव कांचरानम ने खुलासा किया कि वह हिंदी सिनेमा में अपने शुरुआत करते हुए फिल्म का हिस्सा होंगी। वही बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2020 को दिवाली के मौके पर हुई थी। दिसंबर 2020 में पहले की रिपोर्टर ने सुझाव दिया कि फिल्म की शूटिंग अयोध्या और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राज
राजधानी क्षेत्र किम? गौतम बुद्ध नगर। जिले में प्रस्तावित फिल्म सिटी में होगी। टीम द्वारा पूजा समारोह के बाद मुहूर्त शॉट 18 मार्च 2021 को अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में आयोजित किया गया था। लोगों की एक बड़ी अनियंत्रित सभा के कारण मुख्य अभिनेताओं द्वारा अयोध्या में राम की पेंटिंग घटों की एक नियोजित यात्रा रद्द कर दी गई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, तो थिएटर्स के रिलीज के बाद फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले, उसका नाम है राम सेतु। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। राम सेतु अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म में अक्षय कुमार, जैकलिन फर्नांडिस, नुसरत फरूचा और सत्यदेव है और एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं जो राम सेतु की प्रकृति की जांच कर रहे हैं, जिसे भगवान राम के मार्गदर्शन पर बना वानर सेना द्वारा बनाया गया था। फिल्म की घोषणा नवंबर 2020 में की गई थी, जिसकी मुख्य फोटोग्राफी 30 मार्च 2021 को मुंबई में शुरू हुई थी। कोविड-19 महामारी के बीच प्रोडक्शन को झटके और देरी का सामना करना पड़ा था। फिल्मांकन अक्टूबर 2021 में फिर से शुरू हुआ और जनवरी 2022 में ऊटी, गुजरात, दमन और दीव, मालदीव और मुंबई के पास हुआ था। वही राम सेतु को थिएटर्स के रूप में 25 अक्टूबर 2022 को दिवाली उत्सव के दौरान रिलीज किया गया था और आलोचकों से नकारात्मक समीक्षाओं के लिए खोला गया था। फिल्म ने दुनिया भर में के बॉक्स ऑफिस पर 93 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जो अपने 150 करोड़ रुपए के बजट को वापस पाने में विफल रही थी। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठी के रूप में अक्षय कुमार, ASI के रूप एक पुरातत्वविद है और डॉक्टर सेंड्रा रेबेलो के रूप में जैकलिन फर्नांडीज और प्रोफेसर गायत्री कुलश्रेष्ठ आर्यन की पत्नी के रूप में नुसरत फरूचा है। वही सत्यदेव अंजनेयन पुष्कुमारन AP के रूप में दिखाई देंगे। वही अंगर राज कबीर कुलश्रेष्ठ आर्यन और गायत्री के पुत्र के रूप में है। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो द फाइनेंशियल एक्सप्रेस कि एक रिपोर्टर के अनुसार निर्देशक अभिषेक शर्मा 2007 के से एक प्लॉट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जब उन्हें राम सेतु से जुड़े एक अदालती मामले की जानकारी हुई। यह फिल्म अक्षय कुमार की माँ अरुणा भाटिया और विक्रम मल्होत्रा द्वारा निर्माण कंपनियों कुमार की केप ऑफ गुड फिल्म्स, अबुंद एंटरटेनमेंट, लाइकाम प्रोडक्शन और अमेजन प्राइम वीडियो के तहत स्वनिर्मित है। यह भारत में अमेजन का पहला बॉलीवुड प्रोडक्शन है। अरुणा भाटिया का सितंबर 2021 में निधन हो गया। चंद्रश प्रकाश द्विवेदी को रचनात्मक निर्माता के रूप में साइन किया गया था। कुमार ने फिल्म को अतीत, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के बीच एक पुल के रूप में वर्णित किया। अबुन दतिया एंटरटेनमेंट के CIO सह निर्माता CEO के निर्माता विक्रम मल्होत्रा ने फिल्म को तथ्यों, विज्ञान और ऐतिहासिक विरासत पर बनी कहानी के रूप में बताया। फिल्म टीम ने रेटिंग द एराम ऑफ लॉर्ड राम 2004 पुस्तक के साथ साथ पुरातत्व और अन्य क्षेत्रों की विशेषताओं से परामर्श किया था।
वही बात करें मूवी की कास्टिंग के बारे में तो मार्च 2021 की शुरुआत में मीडिया रिपोर्टर ने पुष्टि की कि अक्षय कुमार के साथ फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने के लिए जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत फरूचा को साइन किया गया था। जून 2021 में सत्यदेव कांचारानम ने खुलासा किया कि वह हिंदी सिनेमा में अपने शुरुआत करते हुए फिल्म का हिस्सा होंगी। वही बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2020 को दिवाली के मौके पर हुई थी। दिसंबर 2020 में पहले की रिपोर्टर ने सुझाव दिया कि फिल्म की शूटिंग अयोध्या और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के गौतम बुद्ध नगर जिले में प्रस्तावित फिल्म सिटी में होगी। टीम द्वारा पूजा समारोह के बाद मुहूर्त शॉट 18 मार्च 2021 को अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में आयोजित किया गया था। लोगों की एक बड़ी अनियंत्रित सभा के कारण मुख्य अभिनेताओं द्वारा अयोध्या में राम की पेंटिंग घटों की एक नियोजित यात्रा रद्द कर दी गई थी। वही बात करें मूवी के होम डे के बारे में तो थिएटर्स के रिलीज के बाद फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले उसका नाम है राम सेतु। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। राम सेतु अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म में अक्षय कुमार, जैकलिन फर्नांडिस, नुसरत फरूचा और सत्यदेव है और एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं जो राम सेतु की प्रकृति की जांच कर रहे हैं, जिसे भगवान राम के मार्गदर्शन पर बना वानर सेना द्वारा बनाया गया था। फिल्म की घोषणा नवंबर 2020 में की गई थी, जिसकी मुख्य फोटोग्राफी 30 मार्च 2021 को मुंबई में शुरू हुई थी। कोविड-19 महामारी के बीच प्रोडक्शन को झटके और देरी का सामना करना पड़ा था। फिल्मांकन अक्टूबर 2021 में फिर से शुरू हुआ और जनवरी 2022 में ऊटी, गुजरात, दमन और दीव, मालदीव और मुंबई के पास हुआ था। वही राम सेतु को थिएटर्स के रूप में 25 अक्टूबर 2022 को दिवाली उत्सव के दौरान रिलीज किया गया था और आलोचकों से नकारात्मक समीक्षाओं के लिए खोला गया था। फिल्म ने दुनिया भर में के बॉक्स ऑफिस पर 93 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जो अपने 150 करोड़ रुपए के बजट को वापस पाने में विफल रही थी। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठी के रूप में अक्षय कुमार, ASI के रूप एक पुरातत्वविद है और डॉक्टर सेंड्रा रेबेलो के रूप में जैकलिन फर्नांडीज और प्रोफेसर गायत्री कुलश्रेष्ठ आर्यन की पत्नी के रूप में नुसरत फरूचा है। वही सत्यदेव अंजनेयन पुष्प कुमारन AP के रूप में दिखाई देंगे। वही अंगर राज कबीर कुलश्रेष्ठ आर्यन और गायत्री के पुत्र के रूप में है। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो द फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्टर के अनुसार निर्देशक अभिषेक शर्मा 2007 के से एक प्लॉट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जब उन्हें राम सेतु से जुड़े एक अदालती मामले की जानकारी हुई। यह फिल्म अक्षय कुमार की माँ अरुणा भाटिया और विक्रम मल्होत्रा द्वारा निर्माण कंपनियों कुमार की केप ऑफ गुड फिल्म्स, अबुंद एंटरटेनमेंट, लाइकम प्रोडक्शन और अमेजन प्राइम वीडियो के तहत सहनिर्मित है। यह भारत में अमेजन का पहला बॉलीवुड प्रोडक्शन है। अरुणा भाटिया का सितंबर 2021 में निधन हो गया। चंद्रश प्रकाश द्विवेदी
द्विवेदी को रचनात्मक निर्माता के रूप में साइन किया गया था। कुमार ने फिल्म को अतीत वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के बीच एक पुल के रूप में वर्णित किया। अब उन दतिया एंटरटेनमेंट के सीईओ सह निर्माता सीईओ के निर्माता विक्रम मल्होत्रा ने फिल्म को तथ्यों विज्ञान और ऐतिहासिक विरासत पर बनी कहानी के रूप में बताया। फिल्म टीम ने रेटिंग द एराम ऑफ लॉर्ड राम 2004 पुस्तक के साथ साथ पुरातत्व और अन्य क्षेत्रों की विशेषताओं से परामर्श किया था। वही बात करें मूवी की कास्टिंग के बारे में, तो मार्च 2021 की शुरुआत में मीडिया रिपोर्टर ने पुष्टि की कि अक्षय कुमार के साथ फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने के लिए जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत फरूचा को साइन किया गया था। जून 2021 में सत्यदेव कांचाराम ने खुलासा किया कि वह हिंदी सिनेमा में अपने शुरुआत करते हुए फिल्म का हिस्सा होंगी। वही बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2020 को दिवाली के मौके पर हुई थी। दिसंबर 2020 में पहले की रिपोर्टर ने सुझाव दिया कि फिल्म की शूटिंग अयोध्या और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के गौतम बुद्ध नगर जिले में प्रस्तावित फिल्म सिटी में होगी। टीम द्वारा पूजा समारोह के बाद मुहूर्त शॉट 18 मार्च 2021 को अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में आयोजित किया गया था। लोगों की एक बड़ी अनियंत्रित सभा के कारण मुख्य अभिनेताओं द्वारा अयोध्या में राम की पेंटिंग घटों की एक नियोजित यात्रा रद्द कर दी गई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, तो थिएटर्स के रिलीज के बाद फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले उसका नाम है राम सेतु। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। राम सेतु अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म में अक्षय कुमार, जैकलिन फर्नांडिस, नुसरत फरूचा और सत्यदेव है और एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं जो राम सेतु की प्रकृति की जांच कर रहे हैं, जिसे भगवान राम के मार्गदर्शन पर बना वानर सेना द्वारा बनाया गया था। फिल्म की घोषणा नवंबर 2020 में की गई थी, जिसकी मुख्य फोटोग्राफी 30 मार्च 2021 को मुंबई में शुरू हुई थी। कोविड-19 महामारी के बीच प्रोडक्शन को झटके और देरी का सामना करना पड़ा था। फिल्मांकन अक्टूबर 2021 में फिर से शुरू हुआ और जनवरी 2022 में ऊटी, गुजरात, दमन और दीव, मालदीव और मुंबई के पास हुआ था। वही राम सेतु को थिएटर्स के रूप में 25 अक्टूबर 2022 को दिवाली उत्सव के दौरान रिलीज किया गया था और आलोचकों से नकारात्मक समीक्षाओं के लिए खोला गया था। फिल्म ने दुनिया भर में के बॉक्स ऑफिस पर 93 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जो अपने 150 करोड़ रुपए के बजट को वापस पाने में विफल रही थी। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठी के रूप में अक्षय कुमार, ASI के रूप एक पुरातत्वविद है और डॉक्टर सेंड्रा रेबेलो के रूप में जैकलिन फर्नांडिस और प्रोफेसर गायत्री कुलश्रेष्ठ आर्यन की पत्नी के रूप में नुसरत फरूचा है। वही सत्यदेव अंजनेयन पुष्प कुमारन AP के रूप में दिखाई देंगे। वही अंगर राज कबीर कुलश्रेष्ठ आर्यन और गायत्री के पुत्र के रूप में है। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो द फाइनेंशियल एक्सप्रेस
कि एक रिपोर्टर के अनुसार निर्देशक अभिषेक शर्मा 2007 के से एक प्लॉट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जब उन्हें राम सेतु से जुड़े एक अदालती मामले की जानकारी हुई। यह फिल्म अक्षय कुमार की माँ अरुणा भाटिया और विक्रम मल्होत्रा द्वारा निर्माण कंपनियों कुमार की केप ऑफ गुड फिल्म्स अबुंद एंटरटेनमेंट लाइकाम प्रोडक्शन और अमेजन प्राइम वीडियो के तहत सनिर्मित है। यह भारत में अमेजन का पहला बॉलीवुड प्रोडक्शन है। अरुणा भाटिया का सितंबर 2021 में निधन हो गया। चंद्रश प्रकाश द्विवेदी को रचनात्मक निर्माता के रूप में साइन किया गया था। कुमार ने फिल्म को अति वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के बीच एक पुल के रूप में वर्णित किया। अबुंदतिया एंटरटेनमेंट के सीईओ सीईओ के निर्माता विक्रम मल्होत्रा ने फिल्म को तथ्यों विज्ञान और ऐतिहासिक विरासत पर बनी कहानी के रूप में बताया। फिल्म टीम ने डेटिंग द एराम ऑफ लॉर्ड राम 2004 पुस्तक के साथ साथ पुरातत्व और अन्य क्षेत्रों के विशेषताओं से परामर्श किया था। वही बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में, तो मार्च 2021 की शुरुआत में मीडिया रिपोर्टर ने पुष्टि की कि अक्षय कुमार के साथ फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने के लिए जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत फरूचा को साइन किया गया था। जून 2021 में सत्यदेव कांचरानम ने खुलासा किया कि वह हिंदी सिनेमा में अपने शुरुआत करते हुए फिल्म का हिस्सा होंगी। वही बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2020 को दिवाली के मौके पर हुई थी। दिसंबर 2020 में पहले की रिपोर्टर ने सुझाव दिया कि फिल्म की शूटिंग अयोध्या और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के गौतम बुद्ध नगर जिले में प्रस्तावित फिल्म सिटी में होगी। टीम द्वारा पूजा समारोह के बाद मूर्त शॉट 18 मार्च 2021 को अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में आयोजित किया गया था। लोगों की एक बड़ी अनियंत्रित सभा के कारण मुख्य अभिनेताओं द्वारा अयोध्या में राम की पेंटिंग घटों की एक नियोजित यात्रा रद्द कर दी गई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, तो थिएटर्स के रिलीज के बाद फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले, उसका नाम है राम सेतु। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। राम सेतु अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म में अक्षय कुमार, जैकलिन फर्नांडिस, नुसरत फरूचा और सत्यदेव है और एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं जो राम सेतु की प्रकृति की जांच कर रहे हैं, जिसे भगवान राम के मार्गदर्शन पर बना वानर सेना द्वारा बनाया गया था। फिल्म की घोषणा नवंबर 2020 में की गई थी, जिसकी मुख्य फोटोग्राफी 30 मार्च 2021 को मुंबई में शुरू हुई थी। कोविड-19 महामारी के बीच प्रोडक्शन को झटके और देरी का सामना करना पड़ा था। फिल्मांकन अक्टूबर 2021 में फिर से शुरू हुआ और जनवरी 2022 में ऊटी, गुजरात, दमन और दीव, मालदीव और मुंबई के पास हुआ था। वहीं राम सेतु को थिएटर्स के रूप में 25 अक्टूबर 2022 को दिवाली उत्सव के दौरान रिलीज किया गया था और आलोचकों से नकारात्मक समीक्षाओं के लिए खोला गया था। फिल्म ने दुनिया भर में के बॉक्स ऑफिस पर 93 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जो अपने
150 करोड़ रुपए के बजट को वापस पाने में विफल रही थी। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठी के रूप में अक्षय कुमार, ASI के रूप एक पुरातत्वविद है, और डॉक्टर सेंड्रा रेबेलो के रूप में जैकलिन फर्नांडीज, और प्रोफेसर गायत्री कुलश्रेष्ठ आर्यन की पत्नी के रूप में नुसरत फरूचा है। वही सत्यदेव अंजनेयन पुष्कुमारन AP के रूप में दिखाई देंगे। वही अंगर राज कबीर कुलश्रेष्ठ आर्यन और गायत्री के पुत्र के रूप में है। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो द फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्टर के अनुसार निर्देशक अभिषेक शर्मा 2007 के से एक प्लॉट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जब उन्हें राम सेतु से जुड़े एक अदालती मामले की जानकारी हुई। यह फिल्म अक्षय कुमार की माँ अरुणा भाटिया और विक्रम मल्होत्रा द्वारा निर्माण कंपनियों कुमार की केप ऑफ गुड फिल्म्स, अबुंद थिए एंटरटेनमेंट, लाइकाम प्रोडक्शन और अमेजन प्राइम वीडियो के तहत स्वनिर्मित है। यह भारत में अमेजन का पहला बॉलीवुड प्रोडक्शन है। अरुणा भाटिया का सितंबर 2021 में निधन हो गया। चंद्रश प्रकाश द्विवेदी को रचनात्मक निर्माता के रूप में साइन किया गया था। कुमार ने फिल्म को अतीत वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के बीच एक पुल के रूप में वर्णित किया। अबुन दतिया एंटरटेनमेंट के CIO सह निर्माता CEO के निर्माता विक्रम मल्होत्रा ने फिल्म को तथ्यों, विज्ञान और ऐतिहासिक विरासत पर बनी कहानी के रूप में बताया। फिल्म टीम ने रेटिंग द एराम ऑफ लॉर्ड राम 2004 पुस्तक के साथ साथ पुरातत्व और अन्य क्षेत्रों की विशेषताओं से परामर्श किया था। वही बात करें मूवी की कास्टिंग के बारे में तो मार्च 2021 की शुरुआत में मीडिया रिपोर्टर ने पुष्टि की कि अक्षय कुमार के साथ फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने के लिए जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत फरूचा को साइन किया गया था। जून 2021 में सत्यदेव कांचरानम ने खुलासा किया कि वह हिंदी सिनेमा में अपने शुरुआत करते हुए फिल्म का हिस्सा होंगी। वही बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2020 को दिवाली के मौके पर हुई थी। दिसंबर 2020 में पहले की रिपोर्टर ने सुझाव दिया कि फिल्म की शूटिंग अयोध्या और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के गौतम बुद्ध नगर जिले में प्रस्तावित फिल्म सिटी में होगी। टीम द्वारा पूजा समारोह के बाद मुहूर्त शॉट 18 मार्च 2021 को अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में आयोजित किया गया था। लोगों की एक बड़ी अनियंत्रित सभा के कारण मुख्य अभिनेताओं द्वारा अयोध्या में राम की पेंटिंग घटों की एक नियोजित यात्रा रद्द कर दी गई थी। वही बात करें मूवी के होम डे के बारे में तो थिएटर्स के रिलीज के बाद फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले उसका नाम है राम सेतु। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। राम सेतु अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म में अक्षय कुमार, जैकलिन फर्नांडिस, नुसरत फरूचा और सत्यदेव है, और एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं जो राम सेतु की प्रकृति की जांच कर रहे हैं।
जिसे भगवान राम के मार्गदर्शन पर बना वानर सेना द्वारा बनाया गया था। फिल्म की घोषणा नवंबर 2020 में की गई थी, जिसकी मुख्य फोटोग्राफी 30 मार्च 2021 को मुंबई में शुरू हुई थी। कोविड-19 महामारी के बीच प्रोडक्शन को झटके और देरी का सामना करना पड़ा था। फिल्म अंकन अक्टूबर 2021 में फिर से शुरू हुआ और जनवरी 2022 में ऊटी, गुजरात, दमन और दीव, मालदीव और मुंबई के पास हुआ था। वहीं राम सेतु को थिएटर्स के रूप में 25 अक्टूबर 2022 को दिवाली उत्सव के दौरान रिलीज किया गया था और आलोचकों से नकारात्मक समीक्षाओं के लिए खोला गया था। फिल्म ने दुनिया भर में के बॉक्स ऑफिस पर 93 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जो अपने 150 करोड़ रुपए के बजट को वापस पाने में विफल रही थी। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठी के रूप में अक्षय कुमार, ASI के रूप एक पुरातत्वविद है, और डॉक्टर सेंड्रा रिबेलो के रूप में जैकलिन फर्नांडीज, और प्रोफेसर गायत्री कुलश्रेष्ठ आर्यन की पत्नी के रूप में नुसरत फरूचा है। वही सत्यदेव अंजनेयन पुष्कुमारन AP के रूप में दिखाई देंगे। वही अंगर राज कबीर कुलश्रेष्ठ आर्यन और गायत्री के पुत्र के रूप में है। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो द फाइनेंशियल एक्सप्रेस कि एक रिपोर्टर के अनुसार निर्देशक अभिषेक शर्मा 2007 के से एक प्लॉट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब उन्हें राम सेतु से जुड़े एक अदालती मामले की जानकारी हुई, यह फिल्म अक्षय कुमार की माँ अरुणा भाटिया और विक्रम मल्होत्रा द्वारा निर्माण कंपनियों कुमार की केप ऑफ गुड फिल्म्स, अबुंद एंटरटेनमेंट, लाइकम प्रोडक्शन और अमेजन प्राइम वीडियो के तहत सहनिर्मित है। यह भारत में अमेजन का पहला बॉलीवुड प्रोडक्शन है। अरुणा भाटिया का सितंबर 2021 में निधन हो गया। चंद्रश प्रकाश द्विवेदी को रचनात्मक निर्माता के रूप में साइन किया गया था। कुमार ने फिल्म को अतीत, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के बीच एक पुल के रूप में वर्णित किया। अबुन दतिया इंटरटेनमेंट के CIO सह निर्माता सीईओ के निर्माता विक्रम मल्होत्रा ने फिल्म को तथ्यों, विज्ञान और ऐतिहासिक विरासत पर बनी कहानी के रूप में बताया। फिल्म टीम ने रेटिंग द एराम ऑफ लॉर्ड राम 2004 पुस्तक के साथ साथ पुरातत्व और अन्य क्षेत्रों की विशेषताओं से परामर्श किया था। वही बात करें मूवी की कास्टिंग के बारे में, तो मार्च 2021 की शुरुआत में मीडिया रिपोर्टर ने पुष्टि की कि अक्षय कुमार के साथ फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने के लिए जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत फरूचा को साइन किया गया था। जून 2021 में सत्यदेव कांचरानम ने खुलासा किया कि वह हिंदी सिनेमा में अपने शुरुआत करते हुए फिल्म का हिस्सा होंगी। वही बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2020 को दिवाली के मौके पर हुई थी। दिसंबर 2020 में पहले की रिपोर्टर ने सुझाव दिया कि फिल्म की शूटिंग अयोध्या और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के गौतम बुद्ध नगर जिले में प्रस्तावित फिल्म सिटी में होगी। टीम द्वारा पूजा समारोह के बाद मुहूर्त शॉट 18 मार्च 2021 को अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में आयोजित किया गया था। लोगों की एक बड़ी अनियंत्रित सभा के कारण मुख्य अभिनेताओं द्वारा अयोध्या में राम की
पेंटिंग घटो की एक नियोजित यात्रा रद्द कर दी गई थी। वही बात करें मूवी के होम वीडियो के बारे में, तो थिएटर्स के रिलीज के बाद फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, उसका नाम है राम सेतु। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। राम सेतु अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म में अक्षय कुमार, जैकलिन फर्नांडिस, नुसरत फरूचा और सत्यदेव है और एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं जो राम सेतु की प्रकृति की जांच कर रहे हैं, जिसे भगवान राम के मार्गदर्शन पर बना वानर सेना द्वारा बनाया गया था। फिल्म की घोषणा नवंबर 2020 में की गई थी, जिसकी मुख्य फोटोग्राफी 30 मार्च 2021 को मुंबई में शुरू हुई थी। कोविड-19 महामारी के बीच प्रोडक्शन को झटके और देरी का सामना करना पड़ा था। फिल्मांकन अक्टूबर 2021 में फिर से शुरू हुआ और जनवरी 2022 में ऊटी, गुजरात, दमन और दीव, मालदीव और मुंबई के पास हुआ था। वही राम सेतु को थिएटर्स के रूप में 25 अक्टूबर 2022 को दिवाली उत्सव के दौरान रिलीज किया गया था और आलोचकों से नकारात्मक समीक्षाओं के लिए खोला गया था। फिल्म ने दुनिया भर में के बॉक्स ऑफिस पर 93 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जो अपने 150 करोड़ रुपए के बजट को वापस पाने में विफल रही थी। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठी के रूप में अक्षय कुमार, ASI के रूप एक पुरातत्वविद है और डॉक्टर सेंड्रा रेबेलो के रूप में जैकलिन फर्नांडिस और प्रोफेसर गायत्री कुलश्रेष्ठ आर्यन की पत्नी के रूप में नुसरत फरूचा है। वही सत्यदेव अंजनेयन पुष्प कुमारन AP के रूप में दिखाई देंगे। वही अंगर राज कबीर कुलश्रेष्ठ आर्यन और गायत्री के पुत्र के रूप में है। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो द फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्टर के अनुसार निर्देशक अभिषेक शर्मा 2007 के से एक प्लॉट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जब उन्हें राम सेतु से जुड़े एक अदालती मामले की जानकारी हुई। यह फिल्म अक्षय कुमार की माँ अरुणा भाटिया और विक्रम मल्होत्रा द्वारा निर्माण कंपनियों कुमार की केप ऑफ गुड फिल्म्स, अबुंद थिए एंटरटेनमेंट, लाइकाम प्रोडक्शन और अमेजन प्राइम वीडियो के तहत सहनिर्मित है। यह भारत में अमेजन का पहला बॉलीवुड प्रोडक्शन है। अरुणा भाटिया का सितंबर 2021 में निधन हो गया। चंद्रश प्रकाश द्विवेदी को रचनात्मक निर्माता के रूप में साइन किया गया था। कुमार ने फिल्म को अतीत, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के बीच एक पुल के रूप में वर्णित किया। अबुन दतियाम एंटरटेनमेंट के CIO सह निर्माता CEO के निर्माता विक्रम मल्होत्रा ने फिल्म को तथ्यों, विज्ञान और ऐतिहासिक विरासत पर बनी कहानी के रूप में बताया। फिल्म टीम ने रेटिंग द एराम ऑफ लॉर्ड राम 2004 पुस्तक के साथ साथ पुरातत्व और अन्य क्षेत्रों के विशेषताओं से परामर्श किया था। वही बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में, तो मार्च 2021 की शुरुआत में मीडिया रिपोर्टर ने पुष्टि की कि अक्षय कुमार के साथ फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने के लिए जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत फरूचा को साइन किया गया था। जून 2021 में सत्यदेव कांचरानम ने खुलासा किया कि वह हिंदी सिनेमा में अपने शुरुआत करते हुए फिल्म का हिस्सा होंगी। वही बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में, तो
फिल्म की आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2020 को दिवाली के मौके पर हुई थी। दिसंबर 2020 में पहले की रिपोर्टर ने सुझाव दिया कि फिल्म की शूटिंग अयोध्या और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के गौतम बुद्ध नगर जिले में प्रस्तावित फिल्म सिटी में होगी। टीम द्वारा पूजा समारोह के बाद मुहूर्त शॉट 18 मार्च 2021 को अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में आयोजित किया गया था। लोगों की एक बड़ी अनियंत्रित सभा के कारण मुख्य अभिनेताओं द्वारा अयोध्या में राम की पेंटिंग घटों की एक नियोजित यात्रा रद्द कर दी गई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो थिएटर्स के रिलीज के बाद फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले उसका नाम है राम सेतु। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। राम सेतु अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म में अक्षय कुमार, जैकलिन फर्नांडिस, नुसरत फरूचा और सत्यदेव है और एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं जो राम सेतु की प्रकृति की जांच कर रहे हैं, जिसे भगवान राम के मार्गदर्शन पर बना वानर सेना द्वारा बनाया गया था। फिल्म की घोषणा नवंबर 2020 में की गई थी, जिसकी मुख्य फोटोग्राफी 30 मार्च 2021 को मुंबई में शुरू हुई थी। कोविड-19 महामारी के बीच प्रोडक्शन को झटके और देरी का सामना करना पड़ा था। फिल्मांकन अक्टूबर 2021 में फिर से शुरू हुआ और जनवरी 2022 में ऊटी, गुजरात, दमन और दीव, मालदीव और मुंबई के पास हुआ था। वही राम सेतु को थिएटर्स के रूप में 25 अक्टूबर 2022 को दिवाली उत्सव के दौरान रिलीज किया गया था और आलोचकों से नकारात्मक समीक्षाओं के लिए खोला गया था। फिल्म ने दुनिया भर में के बॉक्स ऑफिस पर 93 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जो अपने 150 करोड़ रुपए के बजट को वापस पाने में विफल रही थी। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठी के रूप में अक्षय कुमार, ASI के रूप एक पुरातत्वविद है और डॉक्टर सेंड्रा रेबेलो के रूप में जैकलिन फर्नांडीज और प्रोफेसर गायत्री कुलश्रेष्ठ आर्यन की पत्नी के रूप में नुसरत फरूचा है। वही सत्यदेव अंजनेयन पुष्कुमारन AP के रूप में दिखाई देंगे। वही अंगर राज कबीर कुलश्रेष्ठ आर्यन और गायत्री के पुत्र के रूप में है। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो द फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्टर के अनुसार निर्देशक अभिषेक शर्मा 2007 के से एक प्लॉट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जब उन्हें राम सेतु से जुड़े एक अदालती मामले की जानकारी हुई। यह फिल्म अक्षय कुमार की माँ अरुणा भाटिया और विक्रम मल्होत्रा द्वारा निर्माण कंपनियों कुमार की केप ऑफ गुड फिल्म्स, अबुंद एंटरटेनमेंट, लाइकाम प्रोडक्शन और अमेजन प्राइम वीडियो के तहत स्वनिर्मित है। यह भारत में अमेजन का पहला बॉलीवुड प्रोडक्शन है। अरुणा भाटिया का सितंबर 2021 में निधन हो गया। चंद्रश प्रकाश द्विवेदी को रचनात्मक निर्माता के रूप में साइन किया गया था। कुमार ने फिल्म को अतीत, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के बीच एक पुल के रूप में वर्णित किया। अबुन दतिया एंटरटेनमेंट के CIO सह निर्माता CEO के निर्माता विक्रम मल्होत्रा ने फिल्म को तथ्यों, विज्ञान और ऐतिहासिक विरासत पर बनी कहानी के रूप में बताया।
फिल्म टीम ने रेटिंग द ये राम ऑफ लॉर्ड राम 2004 पुस्तक के साथ साथ पुरातत्व और अन्य क्षेत्रों की विशेषताओं से परामर्श किया था। वही बात करें मूवी की कास्टिंग के बारे में, तो मार्च 2021 की शुरुआत में मीडिया रिपोर्टर ने पुष्टि की कि अक्षय कुमार के साथ फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने के लिए जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत फरूचा को साइन किया गया था। जून 2021 में सत्यदेव कांचरानम ने खुलासा किया कि वह हिंदी सिनेमा में अपने शुरुआत करते हुए फिल्म का हिस्सा होंगी। वही बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2020 को दिवाली के मौके पर हुई थी। दिसंबर 2020 में पहले की रिपोर्टर ने सुझाव दिया कि फिल्म की शूटिंग अयोध्या और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के गौतम बुद्ध नगर जिले में प्रस्तावित फिल्म सिटी में होगी। टीम द्वारा पूजा समारोह के बाद मूर्त शॉट 18 मार्च 2021 को अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में आयोजित किया गया था। लोगों की एक बड़ी अनियंत्रित सभा के कारण मुख्य अभिनेताओं द्वारा अयोध्या में राम की पेंटिंग घटों की एक नियोजित यात्रा रद्द कर दी गई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, तो थिएटर्स के रिलीज के बाद फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।